नमस्कार मित्रों। तो चलिए अब डॉक्टर सोनी के आशीर्वाद के बाद फिर अब हम लोग आज का केस स्टडीज आरंभ करते हैं और आशा है कि आप लोगों को इसमें आनंद आएगा और हम लोग कुछ इससे नया लेके जाएंगे। विजय जी आप तैयार हैं? यस सर। यस सर। यस। और आपकी टीम भी तैयार है? यस सर। यस सर। एवरीबॉडी इज रेडी सर। तो मित्रों चलो सब लोग तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, हम भी नहीं बैठेंगे और आपको भी नहीं बैठने देंगे। तो केसेस आज के लिए हम लोगों ने पिछले सेशन में यह सीखा कि किस प्रकार से हम लोग किसी केस में जो ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स के ऊपर अनकंट्रोल्ड हो उसमें हम लोग किस प्रकार से बेसल इंसुलिन आरंभ करते हैं। अब ये पेशेंट एक आपके सामने एक वृद्ध महिला जिनको 8 वर्षों से डायबिटीज है, 8.5 HbA1c अभी भी अनकंट्रोल्ड है, जबकि 1, 2, 3, 4 चार तरह की ओरल मेडिसिन और 22 यूनिट्स ग्लार्जी एक अच्छी सिग्निफिकेंट डोज में बेसल इंसुलिन दे रहे हैं। और बेसल इंसुलिन लेने पे हमने देखा कि फास्टिंग वैल्यू इनकी 113 बिल्कुल करीब करीब नॉर्मल है, लेकिन पोस्ट प्रांडियल जो आफ्टर ब्रेकफास्ट वैल्यू है वो काफी बढ़ी हुई है। अभी इनसे हमने कहा कि भाई देखिए हम लोग तो ये करते हैं कि ब्रेकफास्ट बढ़ा हो तो ब्रेकफास्ट के पहले प्रांडियल जोड़ देते हैं, लंच वाली बढ़ी हो तो लंच के पहले प्रांडियल जोड़ देते हैं, डिनर वाली बढ़ी हो तो डिनर के पहले प्रांडियल जोड़ देते हैं, तो और ये सबसे बढ़िया रिजीम है और आप इससे कंट्रोल हो जाएंगे। तो माता जी ने हाथ खड़े कर दिए, भाई देखो 3 बार इंसुलिन 4 बार तो मैं लगवा नहीं सकती, अब 1 बार में ही मेरी आफत आ गई, लेकिन अगर तुम बहुत जोड़ दोगे तो 1 और लगवा लूंगी, 1 नहीं इससे ज्यादा नहीं लगवाऊंगी। अब अगर इन्होंने हमको जो MSI रेजीम है बेजल और 3 बोलस उसके लिए मना कर दिया तो हम आपके सामने ये प्रश्न रखते हैं कि अब आप इनको क्या देंगे। प्रश्न बड़ा सीधा सीधा है और उत्तर आप जानते हैं, लेकिन एक बार आपसे पूछ लेते हैं विजय जी, पब्लिक की ओपिनियन जनतंत्र में लोकतंत्र में सर माथे पर, और देखें हमारे मित्र इसमें क्या कहते हैं कि क्या करना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं जिनकी की कुछ अलहदा राय होती है, और ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करना चाहिए क्योंकि वह हमको कुछ ना कुछ एक नया इनपुट देते हैं इसके विषय में। तो बताइए कि क्या आज के रिजल्ट्स रहे? 67% कह रहे हैं कि प्रीमिक्स लगाएं, 14% कह रहे हैं कि रेगुलर इंसुलिन हम दे दें, ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट के पहले दें, एक बार दूसरा इंसुलिन देना ही है हमको तो एक हम इसको देख के काम चला लें, कुछ ग्लार्जिन और डिग्लुटेक को चलाने की बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। देखिए आपसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतभेद रखता हूँ क्योंकि ग्लार्जिन और डिग्लुटेक को जो बढ़ाना चाह रहे हैं तो ग्लार्जिन और डिग्लुटेक दोनों क्या है, बेसल इंसुलिन, और बेसल इंसुलिन हम बढ़ाएंगे तो उससे हमारा फास्टिंग वैल्यू और कम होगी। फास्टिंग वैल्यू 113 को हम 110, 105, 100, 90, सपोज हम 90 भी ले आते हैं तो हमने 23 कम की, 23 ये भी कम हो जाएगा, 250 हो जाएगा, हमें लाना है 150। तो अगर हम इसको 90 भी ले आ सकते हैं जो कि किसी वृद्ध महिला के लिए फास्टिंग 90 थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है तो भी हमारा आफ्टर ब्रेकफास्ट वैल्यू 250 के नीचे नहीं आती, तो शायद ग्लार्जिन और डिग्लुटेक बढ़ा के हम इनको कोई बहुत लाभ नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में ग्लार्जिन और डिग्लुटेक बढ़ाना तो शायद लॉजिकल नहीं होगा। हाँ लेकिन एक यह राय रखी जा सकती है कि हम बिफोर ब्रेकफास्ट एक रेगुलर इंसुलिन जोड़ दें और अभी का काम चलाएं, माता जी बिफोर लंच बिफोर डिनर के लिए तैयार नहीं हो रही तो यह भी एक काम हो सकता है, है? लेकिन जनता की राय यही है भाई प्रीमिक्स इंसुलिन दी जाए। चलिए देखते हैं इसके विषय में हम लोग आगे क्या करते हैं। तो जनता के साथ चले तो उन्होंने कहा कि बेसल इंसुलिन को शिफ्ट करके प्रीमिक्स इंसुलिन दें, और प्रीमिक्स इंसुलिन होती क्या है, प्रीमिक्स प्री पहले से मिक्स, जिसमें बेसल और बोलस इंसुलिन को पहले से मिक्स कर दिया गया। एक नाम और भी आता है जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बेसल और बोलस को मिक्स किया गया तो बेसल क्या क्या है, NPH है और ग्लार्जिन और डिग्लुडेक है, और बोलस क्या है, एक तो रेगुलर इंसुलिन है अपनी, एक उसकी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स है, तो हमारे पास NPH रेगुलर का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, NPH और शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग्स के कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, डिग्लुडेक और शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग एस्पार्ट का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये अलग अलग प्रोपोर्शंस में हो सकते हैं,
ये जो पहले वाली फिगर है ये रेगुलर, ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की होती है, तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन 25, 30 या 50% और बची हुई इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 75, 70 या 50 वाली इंसुलिन, इनको अलग अलग कैसे प्रयोग में लाना है ये हम लोग क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बेटेखाना एक प्रीमिक्स होती है और उसके साथ में एक स्प्लिट मिक्स भी होती है। स्प्लिट मिक्स मतलब स्प्लिट अलग अलग, तो जो मिक्सचर के दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और अलग अलग भागों को मिलाया। प्रीमिक्स तो हमको बनी बनाई मिल जाती है, जिसके लिए मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ सांबर मसाला। कि जैसे आपको सांबर बनाना है तो जो कहते हैं 16 तरह के मसाले उनको पहले से फैक्ट्री में मिला के दे दिया, तो हम बनाए, आप बनाए, तीसरा बनाए, चौथा बनाए, पंकज जी बनाए, सोनी साहब बनाए, सबका स्वाद वही आएगा क्योंकि सबका मसाला एक है। स्प्लिट मिक्स में क्या है, आपको 16 मसाले अलग से दे दिए, अब आप अपने अपने मसाले बना के सांबर बनाओ। तो यहाँ पे उन शॉर्ट एक्टिंग अलग से दे दी और इंटरमीडिएट एक्टिंग अलग से दे दी, अब इनको मिलाइए जितने तरह के प्रोपोर्शन में चाहे मिलाइए, वो हमारी कोई बंधन नहीं है, जबकि प्रीमिक्स में बंधन है। तो प्रीमिक्स के साथ एक तो एडवांटेज है कि पकी पकाई बनी बनाई कॉम्बिनेशन में इंसुलिन मिल गई, लेकिन एक डिसएडवांटेज है, आप उससे अलग स्वाद नहीं ले सकते, सभी के बनाए में स्वाद एक ही आएगा। स्प्लिट मिक्स में क्या है, स्प्लिट मिक्स में एक डिसएडवांटेज है कि इसको हम एक बार रेगुलर को सिरिंज में लें, एक बार एनपीएच या जो दूसरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन उसको सिरिंज से लें, दोनों को सिरिंज से लेके मिलाएं और मिला के तब लगाएं। तो ये हमको मिलाना पड़ता है, जो कि अगर गड़बड़ किया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, और लेकिन इसका एक फायदा भी है कि हम जिस प्रपोर्शन में चाहें उस प्रपोर्शन में बना लें। तो अब हम अभी तो हम प्रीमिक्स से काम चलाते हैं कि प्रीमिक्स इंसुलिन जो हम दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन में 25, 75, 30, 70 या 50, 50, तो अब हम इनमें जो दो प्रकार की इंसुलिन है, तो जो हम लोगों ने अभी तक समझा एक प्रकार की इंसुलिन की फार्माकोकाइनेटिक्स समझी, अब दोनों प्रकार की जो मिक्सचर है हम मिक्सचर की फार्माकोकाइनेटिक्स समझते हैं कि वो मिक्सचर किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो विजय जी जरा जनता से पूछते हैं कि अगर हम मॉर्निंग में प्रीमिक्स इंसुलिन दे रहे हैं जिसमें एनपीएच है और रेगुलर है, तो एनपीएच और रेगुलर में वो इनमें से कौन सी शुगर है जिस पर वो काम सबसे कम करेगी। सुबह अगर इंसुलिन लगी तो वह काम तो करेगी पूरे दिन, लेकिन किस वैल्यू पर सबसे कम प्रभाव होगा, बताइए जरा जनता क्या कहती है। चलिए तो 30% करें आफ्टर ब्रेकफास्ट पे प्रभाव सबसे कम होगा, 15% करें बिफोर लंच पे, 25 करें आफ्टर लंच पे, और यह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, और 31 कह रहे हैं आफ्टर लंच नहीं, वो होना चाहिए बिफोर डिनर इस पर। तो अब अगर हम इन सब में देखें तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं कि किस प्रकार से ये इंसुलिन काम करती है। चलिए तो एक तो हमने ले लिया ये रेगुलर और एनपीएच का कॉम्बिनेशन, एक हमने ले लिया शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग और एनपीएच का कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए जो मॉर्निंग वाली डोज है इसमें जो प्रांडियल डोज है इसका काम क्या है, आफ्टर ब्रेकफास्ट की वैल्यू को कंट्रोल करना। तो ये तो हमारी 6-7-8 घंटे काम करेगी और आफ्टर ब्रेकफास्ट वैल्यू को कर लेगी। जो एनपीएच है मॉर्निंग की, मॉर्निंग बेजल डोज, ये 12 से 14-15 घंटे जो काम कर रही है ये क्या करेगी बिफोर लंच और उसके बाद बिफोर डिनर, इन पर इसका मुख्य असर होगा। तो इस प्रकार से बिफोर लंच बिफोर डिनर हम हमारी एनपीएच ने संभाल ली है, और आफ्टर ब्रेकफास्ट चाहे वो प्री चाहे वो रेगुलर इंसुलिन का हो और चाहे शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग को हो, यह मॉर्निंग डोज ये संभाल लेगी। तो बची क्या, आफ्टर ब्रेकफास्ट तो कवर हो गई मॉर्निंग रैपिड से, बिफोर लंच और बिफोर डिनर हो गई एनपीएस से, आफ्टर लंच के लिए तो हमको इस वक्त एक प्रांडियल इंसुलिन चाहिए जो कि हमारी मॉर्निंग डोज में नहीं मिल रही। तो इन चारों ऑप्शंस में जो हमारी मॉर्निंग प्रीमिक्स जो 30-70 हम प्रयोग में ला रहे हैं, उस 30-70 से हमारा आफ्टर लंच वैल्यू कंट्रोल नहीं होगी। आफ्टर लंच कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें बिफोर लंच रैपिड या प्रांडियल इंसुलिन देनी पड़ेगी।
अब हम दूसरी चीज पूछते हैं, सपोज हमने इसको ट्वाइस डेली प्रीमिक्स इंसुलिन दी, मॉर्निंग में दी और इवनिंग में दी, तो मॉर्निंग वाली से हमने चर्चा कर ली कि क्या कंट्रोल होगा क्या नहीं होगा, इवनिंग वाली से क्या होगा? विजय जी दंता से पूछिए क्या कहती है कि इवनिंग डोज से हमारी आफ्टर ब्रेकफास्ट कवर होगी नहीं होगी, बिफोर लंच कवर होगी नहीं होगी, आफ्टर लंच कवर होगी कि नहीं होगी, ये कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, ये तो आपने पहले वाला लगा दिया क्वेश्चन, भाई इसको तो कैंसिल करिए इसका अगला, या आपका क्वेश्चन जो आपने ऑल्टरनेटिव्स हैं पिछले वाले के दे दिया, चलिए हम इस वाले को अवॉइड कर रहे हैं इस, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव्स ही गलत हो गए। जब हम इवनिंग डोज लगा रहे हैं तो अब आप यहाँ पे समझिए, इवनिंग डोज लगा रहे हैं जो बिफोर डिनर, तो आफ्टर डिनर को कंट्रोल करेगी, मिडनाइट को कंट्रोल करेगी, फास्टिंग को करेगी, आफ्टर ब्रेकफास्ट को करेगी, इनमें से किसको करेगी, किस पर प्रभाव सबसे कम होगा? थोड़ा ऑल्टरनेटिव्स गलत हो गए इसलिए हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इवनिंग इंसुलिन में जो हमने जो प्रांडियल इंसुलिन दी, प्रांडियल जो बोलस था वो क्या कर रहा है, यहां लगा, तो आफ्टर डिनर वाले को कंट्रोल करेगा, तो इवनिंग प्रांडियल जो है आफ्टर डिनर को करेगी, जबकि इवनिंग एनपीएच जो है ये जो हमारी पूरी रात काम करेगी, इसका एक असर तो रहेगा मिडनाइट में और एक असर रहेगा फास्टिंग में, प्री ब्रेकफास्ट में। तो इस प्रकार से यह जो 4-4 जो मैंने लिखा है ये पॉइंट्स, ये कवर होंगे इवनिंग की एनपीएस से। तो क्या चीज कवर नहीं हुई, जो हमारी आफ्टर ब्रेकफास्ट थी, नाश्ते के बाद, नाश्ते के बाद वाली के लिए तो हमको जो बिफोर नाश्ता, बिफोर ब्रेकफास्ट जो हम इंसुलिन लेंगे वो कवर करेगी हमारी नाश्ते के बाद वाले को। तो अगर हम इनमें ऑल्टरनेटिव्स में देखें, आफ्टर ब्रेकफास्ट है वो हमारी इवनिंग वाली इंसुलिन से कवर नहीं होगी, आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्लड ग्लूकोज को कवर करने के लिए, जैसे हमने पहले जो बात की थी कि मॉर्निंग डोज प्रांडियल इंसुलिन की प्रयोग में लानी होगी। जरा देखिएगा ये आपके ऑल्टरनेटिव्स ये पोल में ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब हम इस पे बात करते हैं, यदि हमने यहाँ पे कौन सा प्रीमिक्स इस्तेमाल की, यहाँ पे हमने प्रीमिक्स इस्तेमाल की जो एनपीएच प्लस रेगुलर या एनपीएच प्लस शॉर्ट एक्टिंग। अगर हमने यहाँ पे इनका जो इंटरमीडिएट जो बेसल इंसुलिन थी वो चेंज कर दी, एनपीएच की जगह हमने उसको प्रीमिक्स किसके लिए, डिग्लुटेक इंसुलिन के साथ, तो Dear delegates, stay connected. Doctor has disconnected. He will join soon. सो आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यूज़ हैं, डॉक्टर पंकज ज्वाइन करेंगे। तो जैसा कि हम कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चन देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आया है कि अगर तीन बोलस की जगह दो एनपीएच दे दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती।
तो जैसे कि हमने स्लाइड्स में हमने बताया है कि आपको कि जो प्रीमिक्स इंसुलिन्स होती हैं हम कब शुरू करते हैं, भाई या तो फास्टिंग भी बढ़ी हुई है और पोस्ट प्रांडल भी बढ़ी हुई है, तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमें करते हैं। एनपीएच क्या है, व्हाट इज एनपीएच? एनपीएच हमारी जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, जो कि एक तरीके की बेसल इंसुलिन है, जो कि अगर हम इसको दो बार यूज करते हैं तो वो 24 आवर्स बेसल इंसुलिन को जो होती बेसल ब्लड ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करेगी, क्योंकि इसका पीक जो है थोड़ा कम होता है तो पोस्ट पेंडेल पे उसका असर उतना नहीं होता है जितना पेंडेल इंसुलिन से होता है। सो जो एनपीएच इंसुलिन होती हैं वो इंटरमीडिएट एक्टिंग बेसल इंसुलिन होती हैं, जो कि जो ओनली फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करती हैं, और जो हमारी पोस्ट पेंडेल इंसुलिन होती हैं जो हमारी जो पेंडेल जो ब्लड ग्लूकोज का सर्ज हो रहा है जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल करती हैं। तो जो प्रीमिक्सिस होती हैं जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला है कि उसमें दोनों ही इंसुलिन होती हैं, इंसुलिन एनपीएच भी होती है और इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन भी होती हैं, जो कि प्रायः जो है हम पेशेंट को दो बार यूज करते हैं, एक तो हम लोग बिफोर ब्रेकफास्ट देते हैं और एक हम लोग बिफोर डिनर देते हैं 24 आवर्स कंट्रोल करने के लिए, राइट? सो एक सवाल होता है कि प्रीमिक्स इंसुलिन कैन बी यूज्ड अलोंग विद ग्लार्जिन सिंगल पेंड इंसुलिन और सिंगल पेंड इंसुलिन, राइट? प्रीमिक्स यूज करना है विद ग्लार्जिन। देखिए प्रीमिक्स और ग्लार्जिन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, जो प्रीमिक्स इंसुलिन होती है ऑलरेडी उसमें एनपीएच होती है, तो उसमें ग्लार्जिन के जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें पेंडेल इंसुलिन होती है, अगर हम यूज कर रहे हैं तो पेंडेल इंसुलिन हमेशा हम लोग बेसल इंसुलिन का यूज करते हैं, और जो प्रीमिक्स इंसुलिन होती है उसमें ऑलरेडी प्रीमिक्स होता है इंसुलिन बेसल इंसुलिन का और इंसुलिन ग्लार्जिन का भी हो सकता है, और इंसुलिन एनपीएच के भी होता है इंसुलिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल हम लोग जो इंसुलिन यूज करते हैं जिसमें प्रीमिक्स होती है, इसमें डेक्रोटेक भी आ रही है, इंसुलिन एस्पार्ट भी आ रही है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। पीकेपीडी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है एंड अकॉर्डिंगली जो ब्लड ग्लूकोज प्रोफाइल होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यूज कर सकते हैं। सो जैसे हमने बात की थी कि जो प्रीमिक्स होती हैं वो 25-75 में भी आती हैं, 50-50 में आती हैं और 30-70 में आती हैं। ये डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को हम कौन सी इंसुलिन यूज कर रहे हैं। सो कुछ सवाल आ रहे हैं, प्रीमिक्स विद नून पेंडियल इज इट नेसेसरी? जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई जो हमारी माता जी हैं उन्होंने बोला कि भैया मैं चार इंसुलिन तो नहीं लगाऊंगी, मुझे तो एक मैं लगाती हूँ बेसल, चलो मैं एक आपकी पेरेंटल इंसुलिन एक मैं और इंसुलिन ला लूंगी। तो हमने उनको प्रीमिक्स पे उसको स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन जैसे बताया कि जो हमारा प्रोफाइल होता है उसमें जो पोस्ट पेंडल जो होती है लंच के बाद की वो कंट्रोल नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि लंच को कंट्रोल करने के लिए हमें एक और पेंडल इंसुलिन चाहिए इसको, तो हमें एक प्रिक और लगाना पड़ सकता है उसमें। तो ये जो प्रीमिक्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका जो कवर होता है वो पूरा 24 आवर्स कवर नहीं होता है, और कभी कभी हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स में हम जो प्रीमिक्स शुरू करते हैं तो उसमें कभी कभी देखते हैं कि एक रोलर कोस्टर ब्लड ग्लूकोज प्रोफाइल होता है, कभी पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, कभी पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में जा रहा है, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, वो 25-75 फिक्स है, और यही स्प्लिट मिक्स की खास बात है। स्प्लिट मिक्स में हम लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, एमबीबीएस कर रहे थे, तो उस समय में हमें जो है स्प्लिट जो इंसुलिन यूज करते हैं, और बड़ी होती थी प्रॉब्लम कि भाई हमें पहले रेगुलर यूज कर रहे हैं उसके बाद उसमें मिक्स कर रहे हैं, लेकिन उससे ब्लड ग्लूकोज प्रोफाइल जो है बड़ा कंट्रोल होता है। तो डॉक्टर पंकज ने ज्वाइन कर लिया है और हम उसको आगे लेके चलेंगे, और कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं बट डेफिनेटली एडमिन आप इनको जरा अनम्यूट कर दीजिए। हाँ यस सर, मैं कर दिया। राइट, ओके, थैंक यू, ओवर टू यू सर। ये कुछ परेशानियां हैं जब हम कहीं बाहर होते हैं। मैं आज अपने सेंटर पे नहीं हूं और ये मैं बाहर से कर रहा हूं, इसलिए ये परेशानियां आ रही हैं। और चलिए कोई बात नहीं, डॉक्टर पंकज हमेशा एक सेवियर बन के हमारे साथ रहते हैं और आपने संभाल लिया, तो मैं बढ़ाऊं आगे? सर बढ़े थ्रू कुछ सवाल आए थे, कुछ उसे हमने जवाब देने की कोशिश की थी, तो हम और हमने किया क्वेश्चंस। तो हम लोग मित्रों बात ये कर रहे थे कि अगर डिग्लुटेक इंसुलिन तब हमारी इसमें से कौन सी जो किस समय की ग्लूकोज लेवल अफेक्ट नहीं होगी या इससे सबसे कम होगी। विजय जी इसका पोल लॉन्च किया था आपने?
एक बार दोबारा कर दें तो मैं रिजल्ट देख लूं उसके क्या मित्रों ने कहे थे। अच्छा तो बहुत मिक्स रिस्पॉन्स है ना, सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं मिड नाइट ब्लड ग्लूकोज नहीं होगी। चलिए देखते हैं। तो चलिए अगर हम डिग्लुडेक इंसुलिन के साथ में बना हुआ प्रीमिक्स यूज करते हैं जिसमें डिग्लुडेक है और शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग है, डिग्लुडेक का कॉम्बिनेशन शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग के साथ ही आता है, रेगुलर के साथ नहीं आता। तो जिसमें क्या हुआ, मॉर्निंग में एक एस्पार्ट इंसुलिन की डोज मिली जो कि हमारी आफ्टर ब्रेकफास्ट को कंट्रोल करेगी, और जो डिग्लुडेक है जो कि लगभग 40-44 घंटे काम करती है, ये हमारी पूरे दिन बिफोर मील भी, बिफोर लंच भी, बिफोर डिनर भी, और अगले दिन मॉर्निंग में, बीच में मिडनाइट भी, सब पर यह प्रभाव रखे रहेगी। तो इससे कौन सा कंट्रोल नहीं हो रहा, सब कुछ सारे बिफोर, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, मिडनाइट, सब कंट्रोल होंगे डिग्लुडेक से। जो आफ्टर डिनर है, क्योंकि आफ्टर वाला जो आप ये देखिए, ना आफ्टर लंच होगी क्योंकि कोई शॉर्ट एक्टिंग नहीं है, ना आफ्टर डिनर होगी क्योंकि कोई शॉर्ट एक्टिंग यहाँ नहीं है। तो अगर हमें आफ्टर ब्रेकफास्ट के अलावा कहीं और चाहिए, आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर, तो हमें एक अतिरिक्त शॉर्ट एक्टिंग की आवश्यकता होगी। तो अगर हम प्रीमिक्स डिग्लुडेक यूनिट के इंसुलिन के साथ में यूज करते हैं, तब हमें उसी तरह से जैसे हमने एनपीएच के साथ यूज की थी, मॉर्निंग में दी उसने आफ्टर ब्रेकफास्ट कंट्रोल की, अगर हम इवनिंग में दे रहे हैं तो वो आफ्टर डिनर वाली को कंट्रोल करेगा। अगर हमें आफ्टर डिनर कंट्रोल चाहिए डिग्लुडेक इंसुलिन के साथ, तो उसको भी हमें इवनिंग में एनपीएच इंसुलिन के प्रीमिक्स की तरह दो बार देना पड़ेगा। चलिए अब एक छूट गया बीच में, अगर ग्लार्जिन के साथ प्रीमिक्स बनाएं, तो प्रीमिक्स ग्लार्जिन अगर हम दें तो पेशेंट की कौन सी वैल्यू कंट्रोल होगी, कौन सी नहीं होगी, सोच के बताइए। विजय जी पोल लॉन्च करिए, प्रीमिक्स विद ग्लार्जिन से कौन सी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाएगी। सो अधिकांश लोगों का अभी काफी मतैक्य हो रहा है, काफी लोग समझते हुए ये कह रहे हैं कि मिडनाइट, सबसे ज्यादा लोगों ने कहा है कि मिडनाइट ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगी। अच्छा भाई चलिए समझते हैं जो आप कह रहे हैं। पहली चीज तो ये मित्रों ध्यान रखो कि ग्लार्जिन के साथ प्रीमिक्स नहीं आती, लिस्ट में हमने नहीं दी थी, हमने एनपीएच के साथ प्रीमिक्स का एग्जाम्पल दिया था, डिग्लुडेक के साथ प्रीमिक्स का एग्जाम्पल दिया था। ग्लार्जिन के साथ क्यों नहीं आती, क्योंकि ग्लार्जिन न्यूट्रल पीएच पे स्टेबल नहीं होती, ग्लार्जिन को हम एसिडिक पीएच पे बनाते हैं। जब ग्लार्जिन को एसिडिक पीएच पे बनाते हैं वो रेगुलर के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है, तो ग्लार्जिन प्लस रेगुलर इंसुलिन का कॉम्बिनेशन स्टेबल नहीं होता, तो ग्लार्जिन के साथ आती नहीं। फिर भी अगर हम बात करें, क्यों भाई, अगर हमने मॉर्निंग ग्लार्जिन और हम रेगुलर देते तो देखो भाई ग्लार्जिन तो 24 घंटे काम कर रही है, बिफोर लंच, बिफोर सॉरी मिडनाइट पे क्यों नहीं काम करेगी। अधिकांश लोगों ने कहा मिडनाइट पे काम नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, मॉर्निंग की ग्लार्जिन 24 घंटे काम करती है तो करेगी करेगी। आफ्टर लंच ये भी नहीं कर पाएगी, आफ्टर डिनर ये भी नहीं कर पाएगी। उसी तरह से जैसे मॉर्निंग में प्रीमिक्स अगर हम डिग्लुडेक वाली दें तो वो आफ्टर ब्रेकफास्ट करेगी, आफ्टर लंच नहीं करेगी, आफ्टर डिनर नहीं करेगी, तो ग्लार्जिन के साथ तो प्रीमिक्स आती ही नहीं। तो हमारा ये जो पेशेंट थी, हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस प्रकार से प्रीमिक्स दे दे के हम लोग कैसे पेशेंट को अपने रेगुलेट कर सकते हैं, कब कब उनका डिफरेंट इंसुलिन के प्रभाव आते हैं। तो अगर हम ये जो हमारी पेशेंट थी इनको हम प्रीमिक्स ट्वाइस दे देते हैं, तो एक प्रश्न ये आता है कि ट्वाइस डे दे रहे हैं तो आफ्टर डिनर को भी कंट्रोल करेगी, तो आफ्टर डिनर वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, आफ्टर डिनर पता नहीं है तो देंगे कैसे। हम ये मान के दे रहे हैं कि जब एक प्री मील आफ्टर मील ज्यादा है तो शायद आफ्टर लंच भी ज्यादा होगी, आफ्टर डिनर भी ज्यादा होगी, तो ये मान के हम प्रीमिक्स ट्वाइस डे दे रहे हैं। हमने चेक करवाया तो वाकई में ज्यादा निकली, आफ्टर ब्रेकफास्ट 276 थी, आफ्टर लंच भी देखा ज्यादा है, आफ्टर डिनर भी देखा ज्यादा है। हम लोग चेक करते ही नहीं ब्रेक लंच और डिनर के बाद वाली, हमको मालूम ही नहीं होता। तो हमें वास्तव में अनकंट्रोल्ड पेशेंट्स में यह बाकी आफ्टर मील्स भी देखनी चाहिए, विशेष रूप से इस कारण भी क्योंकि हम भारतीयों में अक्सर हम लंच और डिनर की वैल्यूज ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा नेचुरली आफ्टर ब्रेकफास्ट वैल्यू होती है,
लेकिन आफ्टर लंच आफ्टर डिनर जो हैवी मील्स हैं अधिकांश लोगों में ब्रेकफास्ट के कंपेरिजन में वो ज्यादा होने के कारण से आफ्टर लंच आफ्टर डिनर की वैल्यूज भी ज्यादा होती है। तो सबसे तो अच्छा रहता हम एक हम ग्लार्जिन से हमने फास्टिंग कंट्रोल कर रखी है, एक रेगुलर यहाँ देते, एक रेगुलर यहाँ देते, एक रेगुलर यहाँ देते, लेकिन चार इंजेक्शन के लिए माता जी तैयार नहीं है, इसलिए हमें ट्वाइस डेली रखना पड़ेगा। तो अगर हम ट्वाइस डेली हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं प्रीमिक्स, तो इससे हमारी क्या चीज की संभावना सबसे ज्यादा या सबसे कम रहेगी? मिडनाइट हाइपो हो सकता है इससे, फास्टिंग हाइपो हो सकता है, बिफोर लंच हाइपो हो सकता है, या आफ्टर लंच हमारी अनकंट्रोल्ड छूट जाएगी आफ्टर लंच हाइपर। बताइए मित्रों इसमें आप किसके साथ हैं, इसमें क्या चीज हमारी शॉर्ट कमिंग क्या है? ट्वाइस डेली प्रीमिक्स देते हैं तो शॉर्ट कमिंग क्या है इसमें, इसमें किस चीज की संभावना कैसी रहती है? हाँ रिजल्ट्स दिखाइए भाई, क्या कह रही है जनता हमारी। अब देखिए एक बड़ी मजे की बात है, जब भी हमारे एमसीक्यूज के आधार पे कोई सिलेक्शन कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो उसमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन ऐसा निकलता है जिसको लेके कोई ना कोई कोर्ट में पहुंच जाता है कि ये गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है और इसके कारण से हमें नंबर कम मिले, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और तो अगर आप ये देखें तो वास्तव में आप कहेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल उसमें पूछ लिया, क्योंकि शॉर्ट कमिंग ऑफ ट्वाइस डेली प्रीमिक्स, दोनों समय हम प्रीमिक्स दे रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है? अरे भाई ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। जो मॉर्निंग प्रीमिक्स दी इसके कारण से बिफोर लंच और बिफोर डिनर हाइपो हमारा एनपीएच करा सकता है, तो जो मॉर्निंग का एनपीएच है वो बिफोर लंच और बिफोर डिनर हाइपो करा सकता है, हम जानते हैं। जो इवनिंग का एनपीएच है मिडनाइट और फास्टिंग हाइपो करा सकता है, तो तीनों समय के बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर लंच बिफोर डिनर यह तीनों हाइपो तो एनपीएच से हो गए, मिडनाइट हाइपो एनपीएच से हो गया, तो ये चारों जो हमारी अनरिलेटेड टू मील समय के हाइपो इससे हो गए हैं। और ओके और दूसरी चीज अगर हम देखें हाइपर की बात, तो मॉर्निंग जो रेगुलर है ये हमारी आफ्टर ब्रेकफास्ट हाइपो करा सकता है, बिफोर लंच पे हुई नहीं, इवनिंग जो रेगुलर है ये आफ्टर डिनर हाइपो करा सकता है। तो हमारी सारे कॉम्बिनेशंस जो थे यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ मिडनाइट हाइपो यस इवनिंग एनपीएस से, फास्टिंग हाइपो यस इवनिंग एनपीएस से, बिफोर लंच हाइपो यस मॉर्निंग एनपीएस से, तो ये सब एनपीएस से हो सकते हैं किसी भी समय का। अनकंट्रोल्ड आफ्टर लंच हाइपर, हाँ यह बात सही है कि आफ्टर लंच का हाइपर, तो आफ्टर लंच तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते क्योंकि हमने रेगुलर सुबह दी रेगुलर शाम को दी, हमने दोपहर में रेगुलर दी ही नहीं, इसलिए आफ्टर लंच का हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल नहीं होगा। तो आफ्टर लंच हाइपर यह बात सही है, लेकिन बाकी हर समय के हाइपो हो सकते हैं। तो चारों ही ऑल्टरनेटिव्स हमारे यहाँ पर सही हैं, इसमें किस पर हाथ लगाएं? तो यह क्वेश्चन फंडामेंटली गलत था जो कि एक कंफ्यूज करने के लिए पूछा। तो जितने भी आप लोगों ने ऑल्टरनेटिव लगाए वह सब सही है। तो अगर हम इसको एनपीएच ट्वाइस डेली प्रीमिक्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, ट्वाइस डेली प्रीमिक्स पे अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो आप क्या कोई ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट हटाना चाहेंगे? अच्छा एक बात हम यहाँ पीछे जरूर मेंशन कर दें, हम कोई भी इंसुलिन यूज करें, देखिए इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, तो ऐसी तो दुनिया की कोई इंसुलिन है ही नहीं जो कि हाइपो ना कर सकती हो, हाइपो तो कोई भी इंसुलिन कर सकती है। क्यों? इंसुलिन का काम है शुगर घटाना, ज्यादा दे देंगे पेशेंट खाना नहीं खाएगा, तो हाइपो तो किसी भी इंसुलिन से हो सकता है, तो ऐसी कोई इंसुलिन जो हाइपो ना करती हो, लेकिन चांस क्या ज्यादा है, जहां पे पीक होगी वहां पर चांस ज्यादा होगा, जैसे रेगुलर की पीक खाने के बाद है तो यहाँ पे हाइपो ज्यादा होगा, एनपीएच की पीक बीच में है तो यहाँ पे हाइपो ज्यादा होगा, या किसी समय खाने से लेट हो जाए जैसे शाम को दोपहर में खाना खाया बहुत देर हो गई इसलिए शाम को हाइपो हो सकता है, ऐसे ही मिडनाइट में जब खाना खाया बहुत देर हो गई मिडनाइट और फास्टिंग में तब हाइपो हो सकता है। तो या तो खाने से बहुत देरी हो चुकी हो या उस इंसुलिन का पीक आ रहा हो, या दो टाइम है जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है।
तो अगर हम ट्वाइस डेली प्रीमिक्स दे रहे हैं तो कौन सी इंसुलिन हटाना चाहेंगे, कौन सी ओरल ड्रग इनमें से, या कोई भी नहीं हटाना चाहेंगे? बेसल में हम लोगों ने कहा था कि सारी दवा चलती रहेंगी, हमें कोई दवा नहीं हटानी। विजय जी देखिए हमारे मित्र लोग क्या कहते हैं, किसी ओरल ड्रग को आप हटाना चाहेंगे क्या, या सारी मेडिसिन को एज इट इज चलते रहने देंगे? गुड, तो अधिकांश लोग कह रहे हैं हम ग्लिमिपराइड को हटाएंगे, लेकिन कुछ लोग मेटफॉर्मिन, पाइग्लुटिडोन, टनिलिप्टिन को भी हटाने की बात कर रहे हैं। तो मित्रों ये चीज ध्यान रखनी है कि हम कभी भी जो सेंसिटाइजर्स है ना, सेंसिटाइजर्स को हम नहीं हटाना। हमें मेटफॉर्मिन और पाइग्लुटिडोन दो सेंसिटाइजर्स हैं, इनको हमें नहीं हटाना जब तक कि उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, जब तक ऐसा ना हो कि वो स्वयं ही कहीं कंट्राइंडिकेटेड हो। रही बात टेनिलग्लिप्टिन की, तो टेनिलग्लिप्टिन को हम लोग कहते हैं या किसी भी ग्लिप्टिन को कि ये हाफ सिक्रेटोगोंग है, थोड़ा काम इंसुलिन बढ़ा के होता है और थोड़ा काम ग्लूकोगोन घटा के होता है, तो आधा इफेक्ट इंसुलिन बढ़ा के, तो हाफ सिक्रेटोगोंग। लेकिन जो सल्फोनिल यूरियाज हैं वो फुल सिक्रेटोगोंग हैं, वो तो केवल इंसुलिन बढ़ा के ही काम करते हैं। तो अगर हमारा प्रांडियल कवरेज कंप्लीट हो रहा है, अगर हम आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर तीनों समय की प्रांडियल को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ इंसुलिन दे रहे हैं, तब तो हमें सल्फोनिल यूरिया हटा लेना चाहिए। हाँ, किसी एक समय के लिए जोड़, जैसे हम लोगों ने पिछले टाइम पे बात की थी बेजल प्लस, तो केवल एक ही टाइम पे जोड़ रहे हैं तो शायद हम सल्फोनिल यूरिया चलने दें, लेकिन बेजल प्लस प्लस और बेजल प्लस 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 जब हम सब समय की प्रांडियल पोस्ट प्रांडियल वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए प्रांडियल इंसुलिन दे रहे हैं, तब हमें सल्फोनिल यूरिया देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ऑल प्रांडियल कवरेजेस आर बीइंग प्रोवाइडेड, सब सल्फोनिल यूरिया को हटा लेंगे। मेटफॉर्मिन पायो तो बिल्कुल नहीं हटेंगी, और किसी ग्लिप्टिन को भी हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल आपसे, चलिए भाई हम लोग तो अभी तक बहुत सारी उधेड़बुन में चले रहे, लेकिन अब हम माता जी का इलाज कर ही नहीं रहे, तो इन महिला को जो हम कह रहे हैं सल्फोन, हम ग्लिमिपराइड भी हटाएंगे क्योंकि दो समय की प्रांडियल कवर कर रहे हैं, हम ग्लाडियन को भी हटाएंगे 22 यूनिट्स को, हम प्रीमिक्स इंसुलिन दें कितनी जब हम इनको बेजल रेजीम से प्रीमिक्स रेजीम पे जा रहे हैं, ट्वाइस डेली प्रीमिक्स पे, तो कितनी डोज दें? आप इसमें क्या कहते हैं विजय जी, पूछिए कि लोग इनमें से किस डोज से आरंभ करना चाहते हैं? प्रीमिक्स मॉर्निंग, प्रीमिक्स इवनिंग, 8 यूनिट मॉर्निंग, 14 इवनिंग? विजय जी पोल लॉन्च करिए। तो 8 मॉर्निंग 14 इवनिंग, या 11 मॉर्निंग 11 इवनिंग, या 14 मॉर्निंग 8 इवनिंग, या 22 प्लस 10, इसमें से किस से आप शुरू करना चाहेंगे? पोलिंग में पूरे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, चलिए किसी ने एक किसी अल्टरनेटिव को तो अपना बनाइए। इससे क्या होता है, जब हम भाग लेते हैं इसमें तो हम किसी एक विकल्प को चुन रहे हैं, हमारा मेंटल एक्सरसाइज जब होती है तो उसमें करेक्शन से लाभ ज़्यादा मिलता है, और हम कहीं शो तो हो नहीं रहा कौन किसने क्या अल्टरनेटिव लगाया, हम अपना ही असेसमेंट स्वयं कर रहे हैं। तो अधिकांश लोग कहते हैं 8 मॉर्निंग 14 इवनिंग, और दूसरा कॉम्बिनेशन है 14 मॉर्निंग 8 इवनिंग। अरे वाह, तो 14 प्लस 8 इज इक्वल टू 22, तो सब लोग इसी लॉजिक पे चल रहे हैं कि ग्लार्जिन 22 यूनिट्स थी तो हमने वो 22 का कॉम्बिनेशन बना लिया, चाहे 8 प्लस 14 या 14 प्लस 8, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं। तो अगर हमें बेजल से प्रीमिक्स जाना है तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम बेजल की डोज, अभी तक कितनी थी ग्लार्जिन 22 यूनिट, इसका मतलब हमें 22 यूनिट बेजल की डोज देनी पड़ेगी। तो बेजल 22 मतलब हमने एनपीएस 22 देंगे। अब 30-70 जो इंसुलिन है उसमें 70% एनपीएच और 30% रेगुलर है, तो अगर हमें एनपीएस 22 देनी है तो अगर प्रीमिक्स को 33 देंगे तब उसमें से 70% एनपीएस 22 बनेगी। तो इसका मतलब ग्लार्जिन 22 को हटाकर हमें प्रीमिक्स 33 करनी पड़ेगी, जिससे सेम
अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जाए और बची हुई 11 यूनिट वो प्रांडियल कवरेज के लिए आ जाए। तो 33 हमारी डोज एक रफ कैलकुलेशन में निकल के आई। तो 33 डोज को हम दें कितनी, एक तो तरीका जो बात आपने कही 8 यूनिट मॉर्निंग 14 इवनिंग, वो तो 22 यूनिट के लिए कर रहे थे, तो 8 मॉर्निंग 14 इवनिंग और दूसरी आई 14 मॉर्निंग 8 इवनिंग, इनमें से कौन सा सही होता? यहाँ पे हमेशा कहेंगे 2/3 डोज मॉर्निंग और 1/3 डोज इवनिंग। ऐसा किस लिए? क्या हो गया? 2/3 डोज मॉर्निंग और 1/3 डोज इवनिंग, ऐसा किस लिए? क्योंकि दिन भर व्यक्ति एक तो 2 मील्स खाएगा, लंच में भी खाएगा, दिन भर और भी काफी कुछ खाता रह सकता है, लेकिन रात में खाने के बाद सो जाएगा, पूरी रात कुछ नहीं खाएगा। नाइट डोज मॉर्निंग की डोज के जो उसमें दोनों के कंपैरिजन में नाइट डोज कम होती है अधिकांश व्यक्तियों में। तो सेफ्टी के लिए हम 2/3 मॉर्निंग रखते हैं, 1/3 इवनिंग रखते हैं। तो 33 को 2/3 मॉर्निंग 22, 1/3 इवनिंग 11। तो कैलकुलेशन के हिसाब से ग्लार्जिन 22 यूनिट में बेजल को अगर हम इक्वलाइज करें तो प्रीमिक्स 33 होती है, जिसको 2/3 मॉर्निंग में 22 और 1/3 इवनिंग में 11। तो ये तो हो गई हमारी मैथमेटिक्स। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑल्टरनेटिव सही आता है वो है 22 मॉर्निंग और 10 यूनिट इवनिंग। अगर हम ये इस बात से डरे कि 22 यूनिट इंसुलिन से एकदम से हम 33 यूनिट इंसुलिन पे चले गए तो ये तो डोज बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ये तो शायद ठीक नहीं है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा ग्लिमिपराइड 6 मिलीग्राम यह भी यहाँ पे हमने विड्रॉ किया है। तो प्रांडियल कवरेज हमने बेसल इंसुलिन तो उतनी दी, प्रांडियल कवरेज हमने ग्लिमिपराइड से हटा के और रेगुलर का सपोर्ट जोड़ दिया, वह हमारा अतिरिक्त हुआ, तो शायद ये वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी। फिर भी यदि हम सेफ्टी चाहते हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग महिला है, तो एक यह हो सकता है कि मैं एकदम से 22 और 10 ना करके हम थोड़ा थोड़ा और कंपेटिवली 22 से ज्यादा 33 ना करके 22 से बढ़ा के 26 रखें और उसको हम दो भाग में डिवाइड कर लें और फिर आगे टाइट्रेट कर लें। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले हमें बेसल इंसुलिन को इक्वलाइज करके देख लें कि उससे हमारा कितना काम चल रहा है और उसके अलावा उसके बाद फिर हम करते रहें। अब दूसरा प्रश्न आता है, यदि ये महिला तो हमारे पास आई तो एक बेसल इंसुलिन ग्लार्जिन लेती हुई आई थी, तो जिससे हमें कैलकुलेट करने का अवसर मिला। मान लीजिए मैं आज आपके सामने पहुंच जाऊं और मैं इसमें कोई भी इंसुलिन नहीं ले रहा और आपको मुझे ट्वाइस डेली प्रीमिक्स पे रखना है, तो ट्वाइस डेली प्रीमिक्स देने के लिए आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 0.1 यूनिट पर केजी, उसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, या 0.2, 0.3, 0.4, 0.5? कौन से फॉर्मूले के अनुसार हम इंसुलिन शुरू करके और 2/3 मॉर्निंग 1/3 इवनिंग पे उसको रख सकते हैं? विजय जी, जनता से पूछिए, अगर ये ग्लार्जिन ना ले रही होती और फिर हमारे पास आती और शुगर मान लीजिए इनकी होती 300 फास्टिंग और 400 पीपी, तब आप कहां से शुरू करते? हम लोगों ने बेसल को डिस्कस करते समय बात की थी कि 0.1 यूनिट पर केजी से लेके 0.2 या 0.3 यूनिट पर केजी तक हम लोग शुरुआत टी डोज दे सकते हैं रिकमेंडेशंस के अनुसार, लेकिन वहां भी बात हुई थी कि भाई स्टार्ट लो एंड गो स्लो, शुरुआत 0.1 यूनिट से ही करो, बाद में बढ़ा लेंगे। तो अगर हमें वो तो बेसल इंसुलिन थी, अगर हम ट्वाइस डेली प्रीमिक्स दे रहे हैं तो वह कितने से शुरू करें? हाँ भाई देखिए रिजल्ट दिखाइए कितने आए। तो ये तो जैसे टाइम मैच होता है ना, उस तरह से हो गया, सब तरह के रिस्पॉन्सेज हैं। 25% कह रहे हैं 0.1, 33% कह रहे हैं 0.2 और 20% 13% 12% बाकी कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, जब हमें कुछ समझ में ना आए तो एक बार देखते हैं कि हमारी एसोसिएशंस क्या कहती है। तो अगर हम फिर से लौट के अपनी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पे जाएं, तो बेसल इंसुलिन के लिए उन्होंने क्या कहा था?
कि अगर HbA1c लेस देन 8% हो तो 0.1 टू 0.2 यूनिट्स, अगर मोर देन 8% हो तो 0.2 से 0.3 यूनिट, ये तो उन्होंने कहा ठीक। लेकिन अगर इस पे कंट्रोल ना हो, हमको प्रांडियल इंसुलिन देनी हो, प्रांडियल में बेजल प्लस 1, बेजल प्लस 2, बेजल प्लस 3, इससे काम ना चल रहा हो, और हमें देनी हो प्रीमिक्स वाली, तब हम कितनी दें? तो देखिए बेजल बोलस में ये डोज निकल के क्या आ रही है कि 0.3 टू 0.5 यूनिट पर केजी, और इसको हम डिवाइड कर करके दे दें 0.3 टू 0.5 यूनिट। तो इस प्रकार से हमारे ये जो तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये हमारे ट्वाइस डेली इंसुलिन जिसमें बेजल बोलस दोनों हैं उसमें फिट बैठते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बेजल में बात की थी कि 0.1, 0.2, 0.3 में से हम सबसे पहले वाले को प्रेफर करेंगे स्मॉल डोज को, वैसे यहाँ पर भी हम स्मॉल डोज को सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे। मतलब अगर 60 केजी की महिला हो तो 60 को 0.3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 यूनिट्स, 18 यूनिट्स को हम 2/3 मॉर्निंग 1/3 इवनिंग, 12 + 6, तो 12 + 6 एक हमारी इसके हिसाब से एक प्रारंभिक डोज किसी भी पुरुष या महिला के लिए हो सकती है जब हम पहली बार हम किसी को ट्वाइस डेली प्रीमिक्स इंसुलिन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि आप मुझसे पहले पूछें कि आप क्या करते हैं, तो मैं अमूमन ये 10 + 6 से शुरू करता हूँ इसी प्रकार से, और भैया स्टार्ट लो जिससे पेशेंट को 2-4 दिन शुगर बढ़ी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइपो ना हो। हाइपो एक बहुत बड़ा डिटरेंट है, वो एकदम से पेशेंट घबरा जाता है और इंसुलिन छोड़ के बैठ जाता है, उसका इंसुलिन पे उसका डॉक्टर पे विश्वास खत्म हो जाता है, और कई लोगों के लिए यह फैटल भी हो सकता है। इसलिए 0.3 यूनिट से शुरू करते हैं। तो वही चीज जो हमने कैलकुलेट किया, 60 केजी के लिए 18 यूनिट पर डे, जिसको हमने 12 मॉर्निंग और 6 यूनिट डिवाइड करके हम शुरू कर सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन किया था हमने अपनी पेशेंट में, 22 यूनिट्स के हिसाब से 33 यूनिट्स प्रीमिक्स, जिसमें 2/3 मॉर्निंग और 1/3 इवनिंग इंसुलिन थी। तो अब हम ये हमने डिसाइड किया 22 + 10 देंगे, कब देंगे? अब जरा फटाफट हम लोग विजय जी 10 सेकंड के अंदर वो लॉन्च करिए, और अब जरा तेजी से आगे बढ़े क्योंकि डिस्कशन काफी हो गया। हम इस इंसुलिन को देंगे कब? सीधा सीधा भोजन के पहले देंगे, भोजन के बाद देंगे। बेजल इंसुलिन में हमने कहा कि भोजन की कोई आवश्यकता ही नहीं, हम इसको कभी भी दे सकते हैं, है? भोजन के पहले या बाद की कोई वो नहीं रखती। बेजल इंसुलिन हम अधिकतर पहले बेड टाइम में देते हैं जब इसका भोजन कोई रेलिवेंस नहीं। तो पब्लिक का कहना यहाँ पे क्या है, अधिकांश लोग कह रहे हैं बिफोर मील देंगे, कुछ आफ्टर मील या नो रिलेशन टू मील उसके भी साथ है। देखो भाई यहाँ पे 70% जो बेजल इंसुलिन है उसके लिए तो यह फॉर्मूला काम करता है कि जो बेजल इंसुलिन है वो हम कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जो प्रांडियल कवरेज के लिए रेगुलर इंसुलिन चाहे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ना लगाओ, तो यह दोनों जो हैं जिनको पोस्ट प्रांडियल कवरेज देना है वो तो हम बिफोर मील ही देंगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, जब कॉम्बिनेशन तो हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है कि हम मॉर्निंग प्रीमिक्स को ब्रेकफास्ट के पहले, इवनिंग प्रीमिक्स को डिनर के पहले, इस प्रकार जहां पे भी प्रांडियल इंसुलिन मिली होगी वह हमें भोजन के पहले देनी होगी। भोजन के पहले कब देंगे, अब दूसरा प्रश्न ये आया, 30 मिनट्स पहले, 15 मिनट्स पहले या इमिडिएटली बिफोर मील? क्विक क्वेश्चन क्विक आंसर विजय जी। आप कब देंगे इसको, भोजन के तुरंत पहले, भोजन के 15 मिनट पहले या भोजन के आधा घंटा पहले, या हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और हो? तो पब्लिक क्या कहती है, क्विक फटाफट रिजल्ट दिखाएं। अधिकांश लोग 50% कह रहे हैं कि 30 मिनट्स बिफोर मीन्स, लेकिन कुछ कह रहे हैं 15 मिनट पहले भी, कुछ कह रहे हैं इमिडिएटली पहले भी। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं कि क्या किया जाए। यह अभी आपको डॉक्टर पंकज चौधरी ने ये वाली बात डिस्कस की थी कि डिपेंड्स कि हम क्या प्रयोग में ला रहे हैं। यदि हम प्रयोग में ला रहे हैं रेगुलर इंसुलिन, तो रेगुलर इंसुलिन को जब हम देते हैं तो आधे घंटे बाद तो कार्य करना आरंभ करती है,
और उसके बाद 2 से 4 घंटे में पीक आता, तो आधा घंटा जो उसको कार्य करने में लगता है उसके कारण से हम जो भोजन के आधा घंटा पहले देते हैं, जिससे इधर भोजन से मिलने वाली शुगर बढ़ना शुरू हुई और उधर इंसुलिन का प्रभाव शुरू हुआ, रेगुलर इंसुलिन का जो प्रांड्रियल इंसुलिन का, तो दोनों एक दूसरे को कंसाइड करें, एक बढ़ा रहा है और एक घटा रहा है, दोनों ने मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर लिया। तो यदि हम रेगुलर इंसुलिन दे रहे हैं तब हम उसको 30 मिनट्स पहले दें। अगर हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग दे रहे हैं तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग वह बहुत जल्दी काम करना आरंभ करते हैं 15 मिनट के पहले। तो इन इंसुलिन को अधिकतर 15 मिनट पहले देते हैं आधा घंटे की जरूरत में, और कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि भाई अगर बच्चा है, बहुत वृद्ध व्यक्ति है, किसी को भोजन भूख वगैरह अच्छे से नहीं है, तो उसमें हमें जहाँ रिस्क है कि खाएगा नहीं खाएगा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, वहां पे तुरंत पहले भी लगा दो, या बहुत ही सेंसिटिव पेशेंट्स में हम भोजन के बाद भी इसको दे देते हैं कि ठीक से भोजन कर लिया, ठीक है, इंश्योर कर लिया कि भोजन ठीक हो गया, उसके बाद हमने इंसुलिन लगाई। तो रेगुलर को हम आधा घंटा पहले, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग वाला प्रीमिक्स है अगर, तो या 15 मिनट पहले या तुरंत पहले, ठीक है। अब हमने अगर प्रीमिक्स 22 मॉर्निंग और 10 इवनिंग में दी तो टाइट्रेज कैसे करेंगे? विजय जी पब्लिक से पूछिए, फास्टिंग शुगर से टाइट्रेट करें आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर या मिडनाइट, इनमें से कौन सी वैल्यू है जो हमें टाइट्रेशन में मदद देगी, जिसके बेसिस पे डोज को हम टाइट्रेट करेंगे? अधिकांश लोग कह रहे हैं कि फास्टिंग से टाइट्रेट करेंगे, कुछ कह रहे हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, कुछ आफ्टर लंच और थोड़े बहुत बाकी भी। चलिए, तो मिक्स ओपिनियन है और वास्तव में कुछ क्वेश्चंस गलत तो होते हैं, लेकिन यहाँ तो मतलब पता नहीं किस बेवकूफ ने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, ये वाहियात क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें तो कई ऑल्टरनेटिव सही है। तो फास्टिंग शुगर किससे कंट्रोल होगी? अरे भाई, इवनिंग वाली जो इंसुलिन है उसकी एनपीएस सुबह तक काम कर रही है, वो फास्टिंग कंट्रोल करेगी। आफ्टर ब्रेकफास्ट किससे होगी? मॉर्निंग इंसुलिन की रैपिड से होगी। आफ्टर डिनर किससे होगी? इवनिंग इंसुलिन जो दे रहे हैं उसकी रैपिड से होगी। मिडनाइट किससे होगी? मिडनाइट और फास्टिंग दोनों इवनिंग एनपीएस से होंगी। तो जैसे हम लोगों ने यह देखा, ये रेगुलर आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये रेगुलर आफ्टर डिनर, जो एनपीएच है, एनपीएच बिफोर लंच, बिफोर डिनर, मिडनाइट, बिफोर ब्रेकफास्ट, ये तो सभी हमारी यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव्स दिए गए, फास्टिंग और मिडनाइट इवनिंग एनपीएस से हो गई, आफ्टर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग रेगुलर से, आफ्टर डिनर इवनिंग रेगुलर से, आफ्टर लंच जो बच्चा हमारा, यही एक ऐसा है जो हम 2 समय की प्रीमिक्स से रेगुलेट नहीं कर पा। तो अगर हम यहाँ पूछते हाउ विल यू टाइट्रेट द डोज, तो हम सबसे पहले मॉर्निंग और इवनिंग वाली में हमको यहाँ क्वेश्चन क्या बनाना चाहिए था, हाउ विल यू टाइट्रेट द इवनिंग डोज। अगर हम इवनिंग डोज पूछते तो हमारे ऑल्टरनेटिव क्या होते, इवनिंग डोज के रैपिड से आफ्टर डिनर, इवनिंग डोज के एनपीएस से मिडनाइट और फास्टिंग। तो कायदा ये कहता है कि सबसे पहले सेफ्टी को हम सुनिश्चित कर लें, कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, कि रात में कोई हाइपो तो नहीं हो रहा, जो बेजल में हम सब सरल हो रहते थे वही काम। तो हम इवनिंग डोज के लिए आफ्टर डिनर, मिडनाइट या फास्टिंग, इन तीनों को पे हम ध्यान रख के इवनिंग डोज को कैलकुलेट करते, जिनमें सबसे सरल है टेस्ट करना फास्टिंग शुगर को। तो फास्टिंग शुगर देख के हम इवनिंग डोज को अगर हम सेट कर लें तो हमारा काफी काम चल जाएगा। तो यह इस फॉर्मूले पे हम काम करते हैं। चलिए, फास्टिंग शुगर हमने चेक की 151 आई, ओके, तो हमने इवनिंग वाले को 10 से 12 कर दिया। फिर अगले 2 दिन बाद देखा 143 आई, अभी भी ज्यादा है, 110 तक नहीं आया, हमने फिर से 12 को बढ़ा के 14 कर दिया। फिर फास्टिंग देखी, ज्यादा है, 16 कर दिया। फिर फास्टिंग देखी, वाह नॉर्मल आ गई, हमने इवनिंग वाली को छोड़ दिया। फिर फास्टिंग देखी, 100 वाली आ गई, अभी भी ज्यादा लो नहीं हो रहे, इवनिंग वाली का सेम रखा। तो हम फास्टिंग शुगर देख के
हम इवनिंग की डोज को, प्रीमिक्स को हम बढ़ाते जाएं। मॉर्निंग डोज के लिए हम क्या करें, आफ्टर ब्रेकफास्ट को देखें। आफ्टर ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा थी, सुबह 22 दी, देखा अभी 211 है, 24 कर दी सुबह की डोज। अब अगले दिन करेंगे, आज हमने देखा 211 आई, अब आज तो मॉर्निंग की प्रीमिक्स लग चुकी ना, तो आज तो कुछ कर नहीं सकते। तो अगर पोस्ट प्रांडियल बढ़ी हुई है तो मॉर्निंग डोज बढ़ानी है, तो अगले दिन से मॉर्निंग डोज बढ़ेगी, जो हम लोग कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, है ना। तो अगले दिन बढ़ाएंगे। अगर हम कह रहे हैं नहीं भाई 211 तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो क्या करें, दो यूनिट उसी समय लगा दें। दो यूनिट से कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ा नहीं जा रहा, कि भोजन तो दो घंटे पहले किया, अभी दो लगा देंगे तो हाइपो हो जाएगा, तो 211 पहले से है। अगर हम ज्यादा कंसर्न है तो दो यूनिट उस वक्त लगा दें, और अगले दिन से 22+2 24 कर दिया। अब 24 पे देखा 196 आफ्टर ब्रेकफास्ट ज्यादा है, तो हमने दो और बढ़ा के 26 किया। फिर देखा अभी भी 178 है, दो और बढ़ा के 28 किया। अभी भी 159 है, दो बढ़ा के 30 किया। अब 141 आ गई है, हमारी अब सेफ रेंज में आ गई है, हमारी 140 के आसपास चाहिए, हमने सेम डोज कंटिन्यू की। इस प्रकार इवनिंग डोज हम फास्टिंग वैल्यू के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, मॉर्निंग डोज हम आफ्टर ब्रेकफास्ट के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। तो इवनिंग से फास्टिंग, मॉर्निंग से पीपी, इस प्रकार से दोनों को हमने कंट्रोल करने का लाभ लिया कि अनुमान कैसे लग सकते हैं। अब बात आई, क्या किसी और वैल्यू को भी आप चेक करना चाहेंगे, बिफोर लंच को, बिफोर डिनर को, आफ्टर लंच को, आफ्टर डिनर को, या मिडनाइट को, इनको भी देखना चाहोगे, या केवल फास्टिंग पीपी से ही अपना काम निकालेंगे? विजय जी पूछिए, पब्लिक कुछ चाहती है किसी और समय की भी वैल्यू चेक करना, कोई रेलिवेंस है बाकी समय की वैल्यूज को चेक करने का? देखते हैं आप लोगों के क्या अनुमान है कि इसमें से बाकी समय की कोई वैल्यू हम चेक करें या इतने से ही हम प्रसन्न रहे। रेस्पॉन्स। तो अधिकांश लोग कह रहे हैं आफ्टर लंच वैल्यू को चेक करो। ओके, एक दूसरा जो मेजर है वो कह रहे हैं मिडनाइट वैल्यू को चेक करो। ठीक है भाई, अब मैं पहली चीज से पूछूं, आप आफ्टर लंच को टेस्ट, जो लोग 37% बहुत बड़ी नंबर है, जो एक तिहाई लोग कह रहे हैं आफ्टर लंच को चेक करो, तो आफ्टर लंच आप क्यों चेक करना चाह रहे हैं? हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया कि जब मॉर्निंग इवनिंग हम लोग प्रीमिक्स इंसुलिन दे रहे हैं, तो एक आफ्टर लंच ऐसी फिगर है जो हमारी कवर नहीं हो रही। मॉर्निंग में भी रेगुलर जा रही है इंसुलिन, इवनिंग वाली डोज के साथ भी रेगुलर इंसुलिन जा रही है, लंच के समय है नहीं। या तो आप चाह रहे हैं कि जितनी अगर वो बढ़ी हो तो हम इस वक्त एक और इंसुलिन जोड़ें, समझ में आती है, लेकिन अभी हमने तीसरी इंसुलिन की चिंता करने लगे। हमने मॉर्निंग इवनिंग को अभी हमने सेट कर लिया क्या? मॉर्निंग इवनिंग सेटल हो जाएगी तब हम बिफोर लंच वाली एक एक्स्ट्रा इंसुलिन की बात सोचेंगे। अब हम देखें कि इनमें से बाकी वैल्यूज का क्या। तो आफ्टर लंच पर हमारी ट्वाइस डेली इंसुलिन का रिस्पॉन्स नहीं है। हो सकता है अब आप लोगों को थोड़ा लगा हो यार ये कुछ समझ में नहीं आ रही क्या कह रहा है आज ये। तो देखो, बेसल इंसुलिन करना बहुत आसान था, हम लोग जब तक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीजों पे नहीं बढ़ते जाएंगे तब तक तो हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। इंसुलिन देनी है कि नहीं देनी, यह समझ में आ गई बात। इंसुलिन बेसल कैसे शुरू करनी, ये तो बड़ा आसान लगा, लेकिन अब ट्वाइस डेली जो प्रीमिक्स देनी है ना, थोड़ा थोड़ा उससे कॉम्प्लिकेटेड है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, लेकिन अगर आपने ये नहीं हमने डिस्कस किया तो इस इंसुलिन सिंपोजिया का लाभ क्या होगा? तो आफ्टर लंच वो वैल्यू है जो हमारी मॉर्निंग इवनिंग की प्रीमिक्स से कवर नहीं होती। तो हम लोग देखते हैं कि बिफोर लंच वाली वैल्यू हम इसलिए देखेंगे क्योंकि आपको अगर हम यहां ले जाएं पीछे, ये बिफोर लंच क्यों देखेंगे, क्योंकि मॉर्निंग एनपीएच का पीक यहां आ रहा है।
बिफोर डिनर क्यों देखेंगे? क्योंकि एनपीएच काम कर रही है और दोपहर का लंच किए हुए काफी समय हो गया, कई लोग इवनिंग में हाइपो कहते हैं। मिडनाइट इसलिए देखेंगे क्योंकि रात की इंसुलिन इस वक्त काम कर रही है और खाना खाए हुए देरी हो गई। फास्टिंग इसलिए देखेंगे क्योंकि खाना खाए हुए बहुत देरी हो गई। तो यह वो मेजर टाइम है, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, मिडनाइट और बिफोर ब्रेकफास्ट, जिसमें हाइपो के चांसेस काफी ज्यादा है। यह सब हमें देखते हुए चलना है। कहाँ थे? यहाँ। तो बिफोर लंच, बिफोर डिनर, मिड नाइट, ये तो हाइपो रूल आउट करने के लिए। आफ्टर डिनर हम क्यों देखेंगे? क्योंकि इवनिंग डोज का रेगुलर कंपोनेंट आफ्टर डिनर पे काम कर रहा है, आफ्टर लंच पे तो कोई काम ही नहीं कर रही। आफ्टर लंच को इस देख के हम इन दोनों इंसुलिन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जो हम ये दो टाइम की इंसुलिन दे रहे हैं, इससे हो क्या रहा है? ये हमारे वो टाइमिंग्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। एनपीएस से किसी भी समय प्री मील और मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, पोस्ट मील हाइपोग्लाइसीमिया हमारा आर के कारण से हो सकता है, उससे ही एक्स्ट्रा असर पड़ेगा। तो अब देखिए, हमने बिफोर लंच देखा है इनका माताजी का, अरे ये तो 80 आ गया। बिफोर डिनर सब ठीक था, मिडनाइट भी देखा ये ठीक था, तो बिफोर लंच इनका काफी कम आया। क्यों? पूछा क्या हुआ था? अरे बेटा उस दिन तो खाने में थोड़ा सा देरी हो गई थी, घर में फंक्शन था तो उसमें लेट हो गए, तो जब लेट हो गए तो उस दिन हाथ पैर कांपने लगे, बड़ी घबराहट सी होने लगी, फिर जल्दी से, और घर में फंक्शन था तो मिठाई उठाई आई थी तो मिठाई पे दो पीस खाए बेटा, तब आराम मिला, माता जी की पार्टी अच्छी हो गई। खाने में लेट किया, इंसुलिन काम कर रही थी। तो यूजुअली हमको जो एक लीडिंग क्वेश्चन पूछे, माता जी कोई दिक्कत है? नहीं नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं। कभी खाना आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत होती है? हाँ ये सही कहा, जब खाना लेट हो जाता है तो बड़ी तेज भूख लगती है, उस वक्त रहा नहीं जाता। ऐसा कब होता है? मैंने दो बार देखा दोपहर का खाना लेट हुआ तो दोनों बार दिक्कत होने लगी। इसका मतलब हमारी बिफोर लंच हाइपो होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जो हमने जैसे इस पेशेंट में भी ये देखिए, यहाँ पे बिफोर लंच 80 हो रहा है। इसके अनुसार हमें मॉर्निंग डोज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हम थोड़े स्नैक्स बढ़ा दें। स्नैक्स को मैं हमेशा कहता हूं कि हल्दीराम की भुजिया नहीं, स्नैक्स का मतलब डायबिटीज में फल, डबल टोन्ड मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना, तो भुने चने, उबले चने, कुछ इस टाइप की चीज हम दोनों मील्स के बीच में बढ़ा दें, जिससे यह हमारा हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। हमने क्या किया, मॉर्निंग की डोज 2 यूनिट कम कर दी। अगले दिन फिर 2 दिन बाद देखा, अरे बिफोर लंच अभी भी 82 आ रही है, अच्छा चलो 2 यूनिट और कम कर देते हैं। अब जाके हमारी बिफोर लंच ठीक रेंज में आई, लेकिन हम देखे अरे ये क्या हुआ, मिडनाइट वाली वैल्यू अब 90 से कम जाने लगी, एल्डरली लेडी, मिडनाइट इतना हम कम नहीं देखना चाहते, तो हम रात वाली को भी हमने और कम करने का प्लान किया। तो हमने सेफ्टी के लिए हमने मॉर्निंग इवनिंग डोजेस को कम किया, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, हाइपर। तो एक गाना था ना, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, तो हमने हाइपो को मनाया तो हाइपर अब परेशान कर रहा है, हाइपर के लिए डोज बढ़ाते हैं तो हाइपो होने लग जाता है। तो इंसुलिन में एक यही लिमिटिंग फैक्टर है कि हम मनमर्जी की इंसुलिन नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो हमारी कभी कभी इधर उधर हाइपो करने लग जाती है। तो अब हमने हाइपो ठीक कर लिया, अभी हाइपर हमारा जो रह गया आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर, तो आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर हाइपर को कैसे ठीक करें, अब हम इसको कंट्रोल कैसे करें, यह प्रश्न अब हम आपसे पूछते हैं। मॉर्निंग इवनिंग डोजेस को बढ़ाएं दोबारा, 30-70 प्रीमिक्स को हम 50-50 प्रीमिक्स करें, रेगुलर इंसुलिन के कॉम्बिनेशन की जगह हम एस्पार्ट लिस्प्रो वाला कॉम्बिनेशन दें या अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स जोड़ दें। इनमें से क्या एक तरीका हम अपना सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए और आफ्टर डिनर वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए? हाँ भाई रिजल्ट दिखाइए, पब्लिक क्या कहती है। चलो
तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर को जोड़ने के लिए लोगों ने कहा है, बहुत सही बात कही आपने, जब भी भोजन के बाद की शुगर ज्यादा हो तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जोड़ दें, बिल्कुल ठीक, ये पोस्टप्रांडियल एक्सक्रेशन को कम करते हैं। दूसरा, रेगुलर की जगह एस्पार्ट इंसुलिन यूज करें, एस्पार्ट या लिस्प्रो या ग्लूलाइसिन, बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि अगर भोजन के 2 घंटे बाद हमारी रेगुलर का इफेक्ट 2 से 4 घंटे पे पीक करता है, थोड़ा कम होता है, और जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स का है उनका 1 से 2 घंटे पे पीक करता है, वो ज्यादा होता है, तो यह हमको कंट्रोल कर लेंगे। तो ये तो मल्टीपल, फिर से भी ये क्वेश्चन फ्रेमिंग अच्छी नहीं की यार जिसने पेपर सेट किया है, ये मल्टीपल आंसर करेक्ट कर दिए और पूछ रहे हैं हमसे सिंगल आंसर। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रेगुलर को एस्पार्ट में हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। 30-70 प्रीमिक्स से 50-50 प्रीमिक्स कर दें, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एनपीएच का कंपोनेंट है वो घट जाएगा, 70 से 50 आ जाएगा, और रेगुलर का प्रांडियल इंसुलिन का कंपोनेंट 30-50% हो जाएगा। अब यहाँ ये दिक्कत है, जब हमने अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर दिया तो एनपीएच को टच नहीं किया, जब हमने रेगुलर से एस्पार्ट में शिफ्ट किया, लिस्प्रो में शिफ्ट किया, तो हमने एनपीएच को टच नहीं किया, लेकिन 30-70 से 50-50 जाने में फिर से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा जैसे हमने बेजल से और प्रीमिक्स में शिफ्ट किया था, कि कौन सी कितनी थी, कितने परसेंट क्या था, वो कैसे दे, मॉर्निंग में कितनी दे, इवनिंग में कितनी दे। तो यहाँ पे क्यों दिक्कत क्या होगी, हमारा प्रांडियल कवरेज बढ़ जाएगा 30 से 50 होने पे, लेकिन बेजल कंपोनेंट जो है 70 से 50 वो कम हो जाएगा, तो पोस्ट प्रांडियल तो बेटर हो जाएगा कंट्रोल, प्री प्रांडियल वाला कंट्रोल खराब हो जाएगा। हाँ, इंक्रीजिंग मॉर्निंग इवनिंग डोज ये तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग घटाते हुए आ रहे हैं, उसी से हाइपो हो रहा था, तो बाकी तो फिर से 3 आंसर सही हो गए। तो ये फिर से क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम नहीं किया, लेकिन इसके 3 आंसर सही है। ये जिस भी नालायक ने ये फ्रेम किया है उसने हमको ये फायदा दिया कि डिस्कशन अच्छा हो गया इस फ्रेमिंग की गड़बड़ी से। तो जब भी हमारे पास ये ऑप्शंस हो कि हमें पोस्ट प्रांडियल कवरेज बढ़ानी है, हम ओरल जोड़ के अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर करा सकते हैं और रेगुलर की जगह एस्पार्ट या लिस्प्रो का प्रीमिक्स दे सकते हैं। ये दोनों आंसर ज्यादा अच्छे थे, 30-70 से 50-50 करने में फिर सब गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए अभी उसके ऊपर ना जाए। और इंसुलिन डोज तो बढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम उसको बढ़ा के ही पहले हम घटा के लाए हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आफ्टर लंच वैल्यू हम मॉर्निंग इवनिंग के प्रीमिक्स से कवर नहीं कर सकते, ये अगर बढ़ी है तो इसके लिए क्या करेंगे? विजय जी पूछिए जरा, पब्लिक क्या कह रही है? आफ्टर लंच वाली वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास और क्या? विजय जी क्वेश्चन लॉन्च करिए। जी, आफ्टर लंच वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हम ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जोड़ दें, लंच के पहले रेगुलर दे दें, प्रीमिक्स को ही दे दें लंच के पहले, या मॉर्निंग डोज को बढ़ाएं, इनमें से क्या तरीका अपनाकर हम ये कर सकते हैं? अधिकांश लोग कह रहे हैं अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर जोड़ दें, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। माता जी को ये पसंद आएंगे ये डॉक्टर, क्योंकि माता जी ने कहा था मैं 2 इंसुलिन से ज्यादा नहीं लूंगी, और ये बदमाशी फिर लोग कर रहे हैं कि एक इंसुलिन रेगुलर जोड़ दो, इंसुलिन प्रीमिक्स जोड़ दो मैं लंच के पहले, तो भाई ये तो नहीं लेंगे। तो माता जी के लिए ये वाले जो हमारे 50% हैं ये बढ़िया डॉक्टर हैं, वो इन्हीं के पास जाएंगे अगली बार दिखाने कि उन्होंने बिफोर लंच अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर दे दी। लेकिन 211 है, 211 को 150 लाना, 60 का फॉल कराना आफ्टर मील की वैल्यू में बहुत आसान नहीं है। अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर 25-30 कम कर लेते हैं, 60 नहीं कर पाते। इसलिए जो लोग कह रहे हैं रेगुलर इंसुलिन बिफोर लंच, वो सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मल्टीपल आंसर सही। यही ब्यूटी है मेडिसिन की, कि मेडिसिन में केवल एक ही चीज सही हो ऐसा नहीं होता, मेडिसिन में बहुत सारे तरीकों से हम अपना काम कर सकते हैं। तो रेगुलर इंसुलिन लंच के पहले देना यह बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 60 कम अगर करना है तो अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर से कंट्रोल होने की संभावना कम है, इसलिए रेगुलर लंच के पहले दें।
लंच के पहले प्रीमिक्स को ही दे दें, ये क्यों करें भाई कि मॉर्निंग प्रीमिक्स, इवनिंग प्रीमिक्स और बिफोर लंच हमें एक नई इंसुलिन दें, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बिफोर लंच प्रीमिक्स देते हैं वो 12 घंटे काम करेगी ना, एनपीएच उसका 12-14 घंटे काम करेगा, दोपहर से लेकर आधी रात तक काम करेगा, माता जी की शुगर रात में लो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बिफोर लंच अगर हम प्रीमिक्स देते हैं तो उससे नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया का चांस ज्यादा होगा और हमारी बाकी वैल्यूज सबसेट हैं, तो हम क्यों उनको खराब करें। यह बेहतर ऑप्शन है कि रेगुलर इंसुलिन लंच के पहले दे दें, या अगर माता जी नहीं तैयार हो रही है तो अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर देके काम चलाए। तो अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर आफ्टर लंच वाले को कंट्रोल करेगा, रेगुलर इंसुलिन आफ्टर लंच वाले को कंट्रोल करेगी। अगर प्रीमिक्स देते हैं तो यह हमारा बहुत देर तक काम करेगा और मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया का चांस और बढ़ा देगा। तो इसलिए पोस्ट प्रांडियल को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक डिस्कस किया कि अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर दे सकते हैं, दूसरा डिस्कस किया कि अगर रेगुलर इंसुलिन एनालॉग ले रहा है तो उसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग दे सकते हैं, है? चाहे वो एस्पाल्ट वाला हो चाहे वो लिस्प्रो वाला हो, है? और अगर आफ्टर लंच की बात है तो उस समय हम एक एक्स्ट्रा इंसुलिन दे दें, एक्स्ट्रा इंसुलिन रेगुलर की। तो प्रीमिक्स अगर हमारे आफ्टर मील कवरेज अच्छा चाहिए तो हम शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग वाला, ये हम लोग पिछले सेशन से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो रेगुलर से अगर हम शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग वाला इंसुलिन देते हैं तो आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर आफ्टर डिनर ये दोनों में हम बेहतर लाभ ले लेंगे, और आफ्टर लंच वाले के लिए हम चाहे दोपहर में एक इंसुलिन जोड़ दें, चाहे वो रेगुलर वाली हो चाहे वो शॉर्ट एक्टिंग वाली हो, या अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर जोड़ के काम चलाए। तो अब क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा रेजीम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, फिर दो की जगह तीन इंजेक्शन हो गए, तो तीन हो गए तो हमारा चार क्या बोले थे जो MSI में हो रहा था। तो MSI तो नो डाउट सबसे अच्छा है, उसमें सबसे अच्छी कन्वीनियंस है, सांबर मसाला नहीं है ना, वो अलग अलग मसाले डाल रहे हो तो जो चाहो कॉम्बिनेशन बनाओ। यहां तो 30-70 के साथ हम बंद जाते हैं। तो अगर हम कहें कि इन महिला को जो हम ये फिर से इस डायग्राम पे जाते हैं जो NPH के साथ कॉम्बिनेशन दे रहे थे, NPH प्लस R या NPH प्लस शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग, इसकी जगह अगर हम डिग्लुडेक को इस्तेमाल करें एज बेसल इंसुलिन तो हमें क्या लाभ मिलते हैं। विजय जी जनता से पूछिए, ये इकोनॉमिकल रहेगी, ये उसका लाभ है, ये एक ही इंजेक्शन में काम कर जाएगी, इससे हमारा पोस्ट प्रांडियल कंट्रोल बेहतर होगा, या इससे हमारे प्रीमेल हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम रहेंगे। इनमें से अगर हम डिग्लुडेक का प्रीमिक्स करें तो लाभ क्या मिलेगा, कौन सी ज्यादा बेहतर होगी? तो अब देखिए कुछ लोगों ने कहा इकोनॉमिकल, देखिए इकोनॉमिकल तो नहीं थी, ये जितने भी एनालॉग्स हैं सब बहुत कॉस्टली। सिंगल इंजेक्शन, सिंगल इंजेक्शन अगर हम देंगे डिग्लुडेक इंसुलिन के साथ तो डिग्लुडेक तो 40 घंटे काम करेगी, ये तो फायदा है, लेकिन जो शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग है वो एक ही रहा ना, तो अगर हम मॉर्निंग दी तो उसने आफ्टर ब्रेकफास्ट कवर किया, आफ्टर लंच छूट गया, आफ्टर डिनर छूट गया, तो एक ही इंजेक्शन देके हमने बेसल सप्लाई तो दे दी लेकिन बोलस सप्लाई एक ही समय के पोस्ट मील कवर होगा, आफ्टर लंच आफ्टर डिनर कंट्रोल नहीं होंगे। तो ये हमारा बेसल प्लस के बराबर बना, और बेसल प्लस प्लस या बेसल प्लस 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 जैसा नहीं बना। बेटर कंट्रोल ऑफ पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग है, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग से हम पोस्ट प्रांडियल कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक बार इंजेक्शन दिया तो एक पोस्ट मील को, दो बार इंजेक्शन दिया तो दो पोस्ट मील को, तीनों को नहीं कर पाएंगे। लेसर चांसेस ऑफ प्री मील हाइपोग्लाइसीमिया, ये कैसे हुआ, क्योंकि जो अगर हमने इसकी जगह पे और एनपीएच की जगह पे हमने डिग्लुडेक दिया जो कि पीकलेस सी होती है, तो ये जो पीक वाले असर के कारण से जो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है वो संभावना उससे कम हो जाएगी। तो एनपीएस से जब हम डिग्लुडेक इंसुलिन के प्रीमिक्स पे जाते हैं तो डेफिनेटली
जो एनपीएच के पीक के समय मिडनाइट हाइपो फास्टिंग हाइपो के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो इनमें इकोनॉमिकल तो नहीं होती, सिंगल इंजेक्शन भी नहीं, इसको भी दो बार देना पड़ता है, पोस्ट प्रांडियल कवरेज आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर ही करेगा, और चांसेस ऑफ प्रीमिल हाइपोग्लाइसीमिया कम होगा, डेफिनेटली एनपीएच के कंपेरिजन में कम होगा, लेकिन ऑल इंसुलिन कैरी चांसेस फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ग्लूकोज लोअरिंग तो इंसुलिन का इफेक्ट है, ज्यादा दे दी तो ज्यादा लोअर हो जाएगी, पेशेंट खाना नहीं खाएगा तो ज्यादा लोअर हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो अगर हम दो बार इंसुलिन देखिए, और ये हम देखिए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग और डिग्लुटामाइन दे रहे हैं, तो मॉर्निंग वाला इंसुलिन आफ्टर ब्रेकफास्ट को अच्छा करेगा, इवनिंग वाला जो एस्पार्ट है वो आफ्टर डिनर को अच्छा कंट्रोल करेगा, और पूरे 24 घंटे से भी ज्यादा 40 घंटे तक जो काम करती जा रही है डिग्लुटामाइन, ये हमारी तीनों समय के प्री मील्स को अच्छा करेगी, हाइपो के चांस थोड़े कम रहेंगे। तो दिस इज बेटर इन कंपेरिजन टू एनपीएच। ये हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि जो कन्वेंशनल इंसुलिन से हम जब एनालॉग इंसुलिन पे जा रहे हैं तो वो फिजियोलॉजिकली बेटर होती जाती हैं, लेकिन कॉस्ट बढ़ती जाती है, वो एक मेजर इश्यू है। तो मित्रों ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम अपने बेसल इंसुलिन से बढ़कर अगर हम लोग आगे प्रीमिक्स इंसुलिन पे जाएं, तो प्रीमिक्स इंसुलिन को मॉर्निंग इवनिंग दो बार देके किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, और उनकी डोजेस को कैसे कैलकुलेट करें, और किस किस समय हमको ध्यान रखना है कि किस किस समय हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। आज डॉक्टर सोनी काफी बिजी थे तो इसलिए ये बात हुई कि हम लोग बीच बीच में उनको बार बार डिस्टर्ब ना करें। डॉक्टर सोनी यदि आप दोबारा ज्वाइन कर पाए हो, आप कई जगह व्यस्त हैं, अगर ज्वाइन कर पाए हो और आप कोई बात यहाँ पे ऐड करना चाहें तो हम एक बार आपको आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर सोनी हैं क्या हमारे साथ? चलिए डॉक्टर सोनी नहीं है तो पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी कुछ देखिए बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस में हैं क्या, कोई क्वेश्चन रिलेवेंट? ये सब देखते हैं। चलिए कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। मित्रों ये जो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, मैं आपको यहाँ पे अपना वह नंबर ऐड कर दे रहा हूँ, 9212657372। यह जो नंबर मैंने अभी चैट बॉक्स में लिखा है, यह सेशन यह इस पर आप लोग अपना नाम सिटी क्वालिफिकेशन लिख के और कर दीजिए, हमारा जो तीन चार ग्रुप्स हैं उनमें एक सूटेबल ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। तुलिका जी आपका कहना सही है कि आज का सेशन इंटरप्टेड था क्योंकि मैं अपने सेंटर से बाहर कहीं एक्सटर्नल स्पेस में कर रहा हूँ और वहाँ पे लाइट गई, उनका जनरेटर चलने में जो इंटरप्शन हुआ, इस वक्त फॉर्चुनेटली इतनी देर मेरे मोबाइल बैकअप ने साथ दे दिया और ये चल गया, लेकिन हो सकता बीच में कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो कोशिश करेंगे रिकॉर्डेड वर्जन हमारा कुछ समय में आता ही रहेगा और फिर हम अपने सेशन उसमें ग्रुप्स में उसको ऐड दोबारा आप लोगों से शेयर कर लेंगे। लेकिन भाई एक मुझे शिकायत थी, 1600 लोगों ने रजिस्टर कराया, 200 लोग ज्वाइन करते हैं और 1400 बाद में कहते हैं रिकॉर्डेड वर्जन दो, रिकॉर्डेड वर्जन दो। भाई ये तो नाइंसाफी है, 1400 लोगों को टाइम नहीं मिल रहा और जिनको इस सेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा 1400 लोगों को है, वो उनके पास इतना टाइम होगा कि उसके बाद रिकॉर्डेड वर्जन देखें? देखिए रिकॉर्डेड वर्जन में कभी भी वो मजा नहीं आता। मैं जानता हूं कि मेरे पास जितनी रिकॉर्डिंग होती है सब रखी रहती है, मैं उनको लाइव जो काम कर लूं, वरना इतना समय कहाँ कि बैठ के हम वीडियो उठा के उसको देखें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से ये जरूर करूंगा कि हम रिकॉर्डेड वर्जन शेयर करेंगे, लेकिन आई पर्सनली मेरे मन में ये डाउट है कि 1400 लोग जिन्होंने ये सेशन अटेंड नहीं किया उनमें से शायद 100 लोग भी देखें। डॉक्टर पंकज देखिए अगर आप तो क्वेश्चन है उनके ऊपर कुछ। तो सबसे पहले एक कमेंट, सो ये मॉड्यूल्स जो हम लोग
आपके सामने जो ला रहे हैं बड़े प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स हैं, ये कोई इसमें कोई भी कहीं भी कोई थियोरेटिकल पार्ट नहीं है इसमें, और ये सब सारे केसेस हम और आप अपनी डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम इन ऐसी जो हमारी सिचुएशन आती है तो उसमें क्या करेंगे। तो ये जो मॉड्यूल्स हैं इनका एक जो उद्देश्य है, जो गोल है हमारा, यही कि आप कहाँ फंसते हैं और उस जहाँ फंसते हैं वहाँ पे आप कैसे निकलेंगे। तो हर इंसुलिन बात हम करेंगे, हमने लास्ट टाइम हमने बेसल इंसुलिन बात करी थी, जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला बहुत सिंपल है और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक बेड टाइम आपको एक बेसल इंसुलिन डाल देनी है और जितने भी आपके ऑनगोइंग एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं वो चल रहे हैं, वो चलते रहते हैं, तो बहुत सिंपल है। और डॉक्टर पंकज सर, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि बेसल इंसुलिन से डालने का मतलब नहीं है कि पेशेंट को बेसल बोलस नहीं चाहिए या बेसल बोलस बेसल प्लस प्लस नहीं चाहिए या प्रीमिक्स चाहिए। बेसल इंसुलिन डालने का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे फ़ायदा दिखता है कि पेशेंट जो है थोड़ा सा मतलब यूज टू जाता है इंसुलिन के, कि हालांकि वो पोस्ट पेंडुलर काम नहीं कर रही है लेकिन अगर हम बेसल इंसुलिन यूज़ करेंगे तो पेशेंट यूज टू भी होगा और हमें उसको थोड़ा सा हमें उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें उसको बेसल से हमें प्रीमिक्स में डालना पड़े तो हमें आसानी आती है एज कम्पेयर टू हम पहले से प्रीमिक्स में डाल दें इसको। तो ये बेसल की एक बहुत बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे, और थोड़ा सा जो डर होता है डॉक्टर्स में और एक इनर्शिया जो होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो जाएगा, वो भी बेसल से नहीं होता है। प्रीमिक्स जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला कि थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज बोलता हूँ मैं इसको, कॉम्प्रोमाइज रजीम है बिकॉज इसमें सब कुछ फिक्स्ड है, 30-70 है, 25-75 है, 50-50 है, सब कुछ फिक्स्ड है और इसमें जो भी बताएं कि मतलब कहाँ कहाँ वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है और कहाँ कहाँ इसे लंच के बाद आप हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो ये थोड़े से इश्यूज होते हैं। लेकिन आप जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जब भी आपको समझेंगे इसको, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स समझेंगे, तो हमें धीरे धीरे उस पेशेंट्स को यूज़ करने में आसानी हो जाएगी। और डेफिनेटली बेसल बोलस जो हो, पेशेंट को चार बार प्रिक करते हैं, पेशेंट बोलते हैं हमसे कि नहीं डॉक्टर साहब हम प्रिक दो बार ला सकते हैं, हम चेक करेंगे, क्योंकि आप देखिएगा किसी को बोलोगे तुम्हें चार बार इंसुलिन लगनी है और तुमको चार बार प्रिक करके ब्लड ग्लूकोज देखना है तो कितना कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता है। तो ये बड़ी कॉम्प्रोमाइज रजीम है डेफिनेटली, बट कन्वीनियंट रजीम है, और कई सारे पेशेंट्स और डॉक्टर पंकज अग्रवाल मुझसे सहमत होंगे कि 80% जो है जो पेशेंट यूज़ कर रहे हैं इंसुलिन हमारी कंट्री में वो प्रीमिक्सेस ही हैं, बहुत पॉपुलर प्रीमिक्सेस हैं जो कि पेरिफेरी में और जो कि जहाँ पे सबर्न एरिया में काफ़ी यूज़ होता है, और उसका कंट्रोल भी अच्छे से लोग कर पा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही बात होती है जब तक समझेंगे, और हमारा मॉड्यूल का बनाने का ये पर्पस ही है कि जो भी यहाँ पर रजीम्स हैं, जो भी इंसुलिन अवेलेबल हैं, उसको हम कैसे अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएँ इसको, ताकि वो पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। बहुत सारे सवाल थे कि 25-75 में क्या फ़र्क है, 30-70 में क्या फ़र्क है, 50-50 में क्या फ़र्क है। यहाँ पे मैं एक एनालॉजी जो यूज़ करना चाहूँगा, हम अपनी जो बात आपने कही कि हम जिस चीज़ से कंफर्टेबल होते जाएं, तो हम अपने जो जेट से F-16 उड़ाने वाले हैं, बिल्कुल, तो F-16 में खासियत होती रहे, लेकिन अगर आपको जेट चलाना आता है, आपको मिग चलाना आता है, तो मिग से आप F-16 उड़ा सकते हैं यदि आपका कमांड। तो जो बात अभी डॉक्टर पंकज ने कही कि 30-70 हमारी अधिकांश यूज होती है, क्योंकि दो इंजेक्शन में माता जी हमारी अड़के बैठ गई कि हम तो दो ही लगाएंगे, तो वैसे ही पेशेंट चार इंजेक्शन के लिए जल्दी तैयार नहीं होता, इसलिए हम उस को दो इंजेक्शन का एक जो कॉम्प्रोमाइज है, हम उस कॉम्प्रोमाइज से काम चला लेते हैं। तो उसी की इंट्रिकेसीज को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, आप आराम से काम चलाइए, उसके इन पे ध्यान रखिए कि मॉर्निंग इंसुलिन से हमारी क्या क्या कवर हो रही है और कहाँ कहाँ हिपो हो रहा है, इवनिंग इंसुलिन से कहाँ कहाँ कवर कर रही है, कहाँ कहाँ हाइपो या हाइपर हो रहा है, और उसके अनुसार आप जैसे कंफर्टेबल होते जाएंगे हम बहुत अच्छा काम चला लेंगे। बिल्कुल सर, तो कुछ सवाल आए थे कि 30-70 या 50-50 का यूज करना है, डॉक्टर पंकज ने बोला है कि इसका हमें देखना है, सपोज हम 50-50 यूज कर रहे हैं तो हमारा जो NPS कंपोनेंट है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और जो हमारा पेंडल कंपोनेंट है वो थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये जो 50-50 है ये जो है ये पोस्ट पेंडल कंट्रोल के लिए अच्छी यूज होती है। तो जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मेरी फास्टिंग का इतना इशू नहीं हो रहा है, मेरी पोस्ट पेंडल स्विंग्स हो रही है, या जो दो वर्किंग क्लास हैं जो सिर्फ दो ही मील खा रहे हैं, एक मतलब एक लंच कर लिया, अच्छा हैवी लंच कर लिया, एक डिनर कर लिया, तो उनमें जो है 50-50 का यूज बहुत अच्छा होता है। और जिसमें लग रहा है कि लोग थ्री मील्स कर रहे हैं, जो हमारी हिंदुस्तान की मील्स है, हमारी जो नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट लंच जो तीनों मील्स कर रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं बीच बीच में, उसके 30-70 बहुत अच्छा यूज होता है। तो जिसमें आपको लग रहा है पोस्ट पेंडल कवर अच्छा देना है तो उसमें हम 50-50 यूज करते हैं,
25-75 में और 30-70 में फर्क नहीं होता, ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों प्राय एक ही चीज होती है। ये कंपनी कंपनी का फर्क होता है, कुछ कंपनी 25-75 बना रही है, कुछ कंपनी 30-70 बना रही है, इसमें बहुत अधिकांश नहीं होता है। तो आप मान के चलिए दोनों एक ही इंसुलिन है। डायबिटीज वाले को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहा हूँ, 50-50 वाली इंसुलिन यूज करने से थोड़ा सा बहुत केयरफुली उसको यूज करें। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, हम कहते हैं डायबिटीज के साथ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार करें, ब्रेकफास्ट लंच डिनर और ब्रेकफास्ट लंच के बीच में स्नैक्स, लंच डिनर के बीच में स्नैक्स, बेड टाइम पे हम कुछ लें। क्यों? क्योंकि बाय द टाइम वन पेशेंट रिक्वायर्स इंसुलिन, वो बड़ा अनस्टेबल वैसे ही हो चुका होता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के साथ में, तो हाइपोज के लिए एट रिस्क रहता है। यहाँ पे 50-50 हम उन लोगों के लिए एक बार सोच सकते हैं जो किसी भी कारण से कि सुबह खा के गए और फिर शाम को खा रहे हैं, दो मेजर मील्स ले रहे हैं और उसके अलावा मील्स ना लेके वो बीच में शॉर्ट स्नैक्स कुछ ले रहे हैं, एक बार उनमें सोचा जा सकता है। लेकिन उसमें रैपिड एक्टिंग जो शॉर्ट एक्टिंग कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा होगा, तो हाइपो का भी ध्यान रखना है। लेकिन कुछ लोग जो केवल दो ही मील्स लेते हैं, लॉन्ग गैप रखते हैं, उनके लिए 50-50 एक इनिशियल एक चॉइस सोचा जा सकता है, लेकिन अपनी फिंगर्स क्रॉस रखते हुए। राइट, तो आप ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि 30-70 या 50-50 और 25-75 ये कॉम्प्रोमाइज रेजिम है। ये पेशेंट्स को बहुत ज्यादा जो कंट्रोल होता है उसका अच्छा नहीं होता, लेकिन कन्वीनियंट रेजिम है। तो हमें कॉम्प्रोमाइज रेजिम और कन्वीनियंट रेजिम का थोड़ा सा बैलेंस करना है, और आप देखेंगे विद प्रैक्टिस आप इन इसी रेजिम से अपने ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करते हैं। शॉर्ट पंगा ने बोला कि F16 से हम लोग गिरा देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल जो हमारे पास आ रहा है कि जैसे बात की थी, व्हाट लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन। देखिए ये सारे बहुत जो सवाल हैं, छोटे सवाल होते हैं, ये हम लोग थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है हमको, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को, ये जो मॉड्यूल्स हैं ये हम लोग काफ़ी प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं, केस बेस लेके चल रहे हैं इसको। जरा सा आपको दूंगा कुछ 10 मिनट अगर डॉक्टर पंकज में देंगे नेक्स्ट सेशन में, तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा इसको। कुछ फॉर्मूलीज होती हैं, कुछ जैसे जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशियो होता है, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग होती है, ये सब थोड़े से मतलब इंटीग्रेट होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें हमारे काम आते हैं। जैसे पूछा हुआ इसमें, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, हम लोग जो बातें हम लोग रिकैप वाली कर रहे हैं वो तो काफी डिस्कस हो चुकी, नेक्स्ट टाइम हम लोग रिकैप पे समय ना लगा के ये जो आपने बातें कही आपका सेशन इसी पे ही रखते हैं, क्योंकि हम इसके बाद में हम हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स का क्यों डिस्कस करेंगे, तो वहां पे ये बहुत हमारे काम आए। ठीक है, तो मुझे 15-20 मिनट दे दिया सर, तो नेक्स्ट टाइम में सारे जो इश्यूज हैं सारे ये वाले इश्यूज आप कवर करके तब हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे इसमें। ये वाली जो बात अभी कही गई, पूछी गई कि एक यूनिट से कितना कवर होता है, ये उसी तरह की बात है कि एक रोटी से किसी का कितना पेट भरता है। हमारी माता जी का तो इनकी एक रोटी से आधा पेट भर जाता, और हमारे मित्रों का एक रोटी से चौथाई भी नहीं भरेगा। जितना यंग जितना एक्टिव उतना उसकी भूख ज्यादा, डिपेंड करता है सर कितने इंसुलिन सेंसिटिव है कोई पेशेंट, कितना इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये मोटा मोटा ये एक यूनिट से 50 ग्राम जो ब्लड ग्लूकोज है वो डाउन होता है, लेकिन किसी में 10 भी हो सकता है, किसी में 100 भी हो सकता है। तो ये बहुत रेंज होती है, ये कोई फिक्स फॉर्मुली नहीं है डायबिटीज में। डायबिटीज जो है साइंस है, और जब हम लोग पेशेंट प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमको समझ में आती है कि कभी कभी एक यूनिट से जो है 100 भी डाउन हो जाता है, कभी एक यूनिट से 10 भी डाउन नहीं होता। तो हर एक का जो सेंसिटिव पैटर्न होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम में जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला है कि 15-20 मिनट आपको लेंगे, एक बेसिक आइडिया दे देंगे आपको सारे जो रेशियोज होते हैं, जो फॉर्मुलिस होते हैं, बेड साइड फॉर्मुलिस होते हैं, वो कैसे आप अपनी उपयोग करके उनको इंसुलिन कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक डॉक्टर पंकज काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं, और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन रहा है। आपका जो नेटवर्क थोड़ा सा इंटरप्टेड रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं कभी कभी, हम लोग लेक्चर लेते हैं भी होगा, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे संडे भी एक जेरियाट्रिक डायबिटीज पे एक नेशनल फोरम बन रहा है, तो उसकी मीटिंग में मुझे जाना है, तो मैं आउट ऑफ टाउन रहूंगा, तो नेक्स्ट संडे मुझे परेशानी हो सकता है, तो आप एज सेवियर हमारे साथ रहें, कवर कर लेंगे, यहाँ कहीं भी होगा तो आप थोड़ा संभालेंगे। लेकिन मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि मैं होटल पे ना डिपेंड करके, और मैं अपने वाईफाई से ही अपने ही उससे चलाऊं। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर,
एक सवाल आ रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ बेसल बोलस टू प्रीमिक्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई हमें चार बन जाना है, हमारी कंट्रोल हो गई, अब हम आपको दो बार में यूज कर देते हैं। तो आई थिंक बहुत सिंपल फॉर्मूले से बताया डॉक्टर साहब ने, जो इंसुलिन जैसे 0.3 या 0.2 की हम लोग बात कर रहे थे, रेजिम्स में सारा में ज्यादातर यही रहता है कि आप अपनी टोटल डेली डोज इंसुलिन लगा लें, जितनी बेसल बोलस आ रही है उसकी सेम डोज में आप उसको 2/3 1/3 कर दें। इसमें आपको कुछ ज्यादा चेंज जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर आप एनालॉग में शिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट को, जैसे हम डेक्लोडेक और मिक्स जो बेस्ड हमारी प्रीमिक्स होते हैं उसमें आप 10% कम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है उसकी सेंसिटिविटी बेटर होती है और हाइपोग्लाइसेमिक चांसेस ज्यादा होते हैं, तो 10-15% कम कर दें, बाकी रेजिम नॉर्मली सेम होती है उसमें, 2/3 आप मॉर्निंग ले लें और 1/3 आपको इवनिंग में कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, तो इसमें कई मित्रों ने इसमें नंबर्स अपने लिख के भेजे हैं, कृपया आप इसमें नंबर्स ना लिखें, जो मैंने आपको मोबाइल नंबर दिया है 9212657372 उस पर अपना नाम और अपना क्वालिफिकेशन, क्योंकि मैंने 2-3 ग्रुप्स बना रखे हैं, जो पीजी स्टूडेंट्स पीजी रेजिडेंट्स हैं उनके अलग बना रखा है, प्रैक्टिशनर्स का अलग, कुछ का अलग। हाँ एक बात बहुत, अब दिक्कत क्या आएगी, हमारी अटेंडेंस बहुत कम है, अटेंडेंस बहुत कम है, रजिस्ट्रेशन 1600 प्लस लोगों ने कराए हैं, आपको वो कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट? मेरा सर्टिफिकेट तो है नहीं, ये तो ICP का सर्टिफिकेट है, अटेंडेंस शीट उनके पास है। तो अब इसमें अब बाद में सब लोग शिकायत करेंगे, तो मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला मुझे, आपका कोर्स अटेंड करने का क्या फायदा? भाई साहब आप तो आए ही नहीं, क्योंकि ICP में आपकी अटेंडेंस नहीं लगी, अब आपको सर्टिफिकेट ICP क्यों देगी? तो मित्रों यहाँ पे अब ये परेशानी है, जो अभी तक इतना हमारा एब्सेंटिज्म रेट है, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपको जो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उन रिकॉर्डिंग्स को देखने के बाद उसका कोई कोई फॉर्मूला नहीं कि किसने रिकॉर्डिंग देखी किसने नहीं देखी, तो सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस ICP देगी या नहीं देगी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वहां से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, जो उनके पास अटेंडीज की लिस्ट जाएगी उसका सर्टिफिकेट वो इशू करेंगे। डॉक्टर पंकज इस बारे में हम बात करते हैं कि हम उनसे बात कर दे सकते हैं कि सपोज जिन्होंने जैसे 5 मॉड्यूल हैं उसमें मिनिमम 3 मॉड्यूल कर लें अगर, तो शायद हम उनसे बात करके सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 मॉड्यूल तो उनको करने ही है, और ये नहीं कि आपने एक मॉड्यूल कर लिया और उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल लगता नहीं मुझे। जी जी ठीक है मित्रों, तो हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में क्या किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, कैसे डॉक्टर साहब ने जो बताया कि कैसे हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, कई पेशेंट्स में वीन ऑफ करना होता है हमारे, उसके बाद इंसुलिन की आवश्यकता नहीं, उन पेशेंट्स में हम कैसे वीन ऑफ करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे, और जो उससे रिलेटेड पॉइंट्स जो अभी डॉक्टर पंकज बता रहे थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट आई है, जिडाटिक डायबिटीज में मुझे भी शामिल कर लीजिए, अभी तो मैं ही चला जाऊं, अभी तो मैं देखूं क्या होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, जिडाटिक मेडिसिन फ्रॉम BHU आपने किया है, इट्स अ गुड थिंग। तो अभी ये एक फोरम फॉर्म हो रहा है, उसके लिए एडवाइजर्स मीट हो रही है, देखता हूँ वहाँ क्या है, अभी मेरा भी रोल उसमें क्लियर होना है कि वो एक नेशनल एडवाइजरी बोर्ड में क्या मैं कर पाऊंगा, कितना मैं उसमें सहायक हो पाऊंगा उनके लिए। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फॉक्सी के साथ में एक डिस्कशन चल रहा है कि फॉक्सी भी इसके ऊपर कुछ कोर्सेज कराना चाहती है, अभी इंटरेस्ट लेवल बना है थायराइड डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी पे, तो अगर अभी शायद शुरू होगा तो हम थायराइड डिसऑर्डर्स पे करेंगे, क्योंकि GDM फॉक्सी में बहुत डिस्कस होता है, लेकिन हम किसी ना किसी फोरम में या फॉक्सी के ही फोरम में, या अगर हम ICP हमें आगे वो करेगी, वरना हम लोग कभी अपना ही करेंगे। तो आप लोगों का जो कहना है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है। डॉक्टर हिंदल पूछ रही है, बोलस बी आर गिविंग 30 यूनिट्स 10 10 10 एंड बोजल बेजल 8, सो 30 यूनिट्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 2/3 एंड 1/3। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बात आपने कही, ये थोड़ा सा बोलस तो 10 10 10 चल रही है और बेजल केवल 8, ये थोड़ा सा एक दूसरे से कंसाइड नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहे। बहुत तो, अच्छी बात है कि पहले आप टोटल डेली डोज करें और उसमें 40-50% बेसल रखेंगे और बाकी जो है 50% वो आप बोलसेस देंगे उसको, तो ये प्रैक्टिकली जो है ये रेजिम ठीक नहीं है। यहाँ
यहाँ पे अगर हम 38 को 40 कर दें और 40 को अगर हम 2/3 1/3 डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट की डोज बहुत गुना 3 गुना बढ़ जाएगी। तो ये राइट कैलकुलेशन यहाँ नहीं चलेगा। इस ऐसे पेशेंट्स भी हम कई बार देखिए, डॉक्टर पंकज भी देखते होंगे, जिनको 20 यूनिट 24 26 यूनिट्स रैपिड लग रही है और एनपीएच या ग्लार्जिन या डेग्लूडेट लग रही है उनको 10-12 यूनिट। और ऐसे डॉक्टर साहब मैं 30-30 यूनिट तक चला गया रेगुलर बढ़ाते हुए और पेशेंट हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। इसका मतलब जब उनको इतनी हाई रेगुलर की रिक्वायरमेंट है और पूछो तुम रोटी कितनी खाते हो, डॉक्टर साहब 2 खाता हूँ। अब 2 रोटी पे 25 यूनिट रेगुलर इंसुलिन नहीं मैच नहीं कर रही। इसका मतलब आपने देखा फास्टिंग कितनी है, फास्टिंग तो मेरी 250 से कमी नहीं आती। अरे तो उसको बेजल की जरूरत ज्यादा है ना, फास्टिंग हाई है और आप रैपिड को बढ़ाते जा रहे हो, आप बेजल बढ़ाओ। तो ये जो 10-10-10 बोलस और 8 बेजल है, कहीं शायद इसमें कुछ एक बार दोबारा देखने समझने की भी आवश्यकता है। तो डॉक्टर साहब फिर यहीं पे हम लोग आज का समापन करें। डॉक्टर प्रिया आपके लिए, हम लोग नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे। जो हम लोगों ने बात की कि इन पेशेंट पेशेंट्स में कैसे हम लोग ये जो इंसुलिन को आरंभ करें, कैसे उसको एक से दूसरे रेजिम में टाइट्रेट करें, शिफ्ट करें, और कैसे उसको वीन ऑफ करें जहाँ पे आवश्यकता नहीं है, इनकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट संडे को। डॉक्टर प्रिया तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज अग्रवाल, डॉक्टर पंकज चौधरी एंड डॉक्टर एन के सोनी। आप तीनों ने हमको इतना एनलाइटनिंग और इन्फॉर्मेटिव सेशन दिया है। सो वी लुपिन टीम वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट एंड ऑल्सो द ऑडियंस फॉर आस्किंग सेवरल क्वेश्चंस एंड क्लियरिंग देयर डाउट्स इन दिस सेशन इटसेल्फ विद रिगार्ड्स टू द इनिशिएशन एंड टाइट्रेशन ऑफ प्रीमिक्स इंसुलिन। So I would like to thank the dignitaries and our faculty here, and thank you, Dr. Pankaj Chaudhary, for taking your time out for this very useful session, sir. Thank you very much on behalf of Lupin, sir. Manu ji, आपकी भी absent चल रही है, आपको भी certificate issue नहीं होगा। सर मैं हमेशा प्रेजेंट रहता हूँ सर, लेकिन बैकग्राउंड में रहता हूँ, हमारी फ्रंट लाइन जो है वो फ्रंट फील्ड फोर्स अलग है सर। चुपे रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वेरी यूजफुल सेशन सर। मैंने एक बार मित्रों वो नंबर दोबारा अभी एसएमएस कर दिया है, क्योंकि सब लोग इसी पे चैट बॉक्स में टाइप करते जा रहे हैं, हम उसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। जो मैंने नंबर भेजा है उस नंबर पे ही आप लोग 9212657372 उस पर ही करें तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड कर पाएंगे, और अदरवाइज जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते रहें जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर प्रिया आल्सो, थैंक यू।